जन उठेर होटिंग गरेर ताली बजाएर दसैँ स्वागत गर्नुपर्ने हुन्छ र म इन्भाइट गर्न चाहन्छु हेल्दी लिभिङ नेपालको सेल्फ हेल्प ग्रुपमा रहनु भएको छ मिस्टर सञ्जीव कान्तु सर आजको सेसनको लागि म एकदम तयार रहनु होला तपाईँ डायरी पेन लिएर बस्नु होला आज धमाकेदार मेला छ केही नयाँ कुरा पाउँदै हुनुहुन्छ राइट केही नयाँ कुरा पाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँको चाहिँ कसरी बढाउन सकिन्छ राइट जो टेक्निकल कुराहरू छ मलाई पनि थाहा छैन हेर्नु र तपाईँलाई त्यो कुराहरू सिकाउन आउँदै हुन्छ सञ्जीव कुन्दु सर तपाईँले एकपटक जोरदार तारी दिनुहोस् र मैले उहाँलाई माइक दिन्छु थ्याङ्क यू सो मच सर थ्याङ्क यू भेरी मच सो गुड मर्निङ पीछे वाले लोग ज्यादा नाश्ता हो गए क्या? पीछे के रो में दो तीन लोग रो तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा हम तो सबसे ज्यादा अब कोई नहीं बोलेगा पीछे वाले तीन लोग बोलेंगे सिर्फ गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग थैंक यू वेरी मच तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच जिस तरीके से आप लोगों ने मेरा आदर किया एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड डिलाइटेड कि मैं इतने यंग और यूथ्स के साथ सामने बैठा हूँ सबको हिंदी समझ में आती है सबको चलो अच्छा है मुझे भी नेपाली समझ में आती है बोलनी नहीं आती बस रामड़ो थोड़ा छो बोलने आता है तो दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप लोग आज अपने करियर को एक अच्छा आयाम दे रहे हैं अच्छा मोड़ दे रहे हैं तो बी वेरी फ्रैंक जब मैं आपकी एज में था मतलब आपके से ज्यादातर लोग जो 25 के बिलो हैं उस एज में था मुझे पता भी नहीं था कि नेटवर्क मार्केटिंग का इतना बड़ा पावर है और मैं भी बाकी लोगों की तरह भाग रहा था कि क्या करूँ क्या करूँ और ग्रेजुएशन किया MBA किया ये किया वो किया लोगों की तरह भागा नेटवर्क मेरे को आगे टच भी किया लेकिन मुझे ऐसा कोई मिला नहीं था जो समझ जाए कि नेटवर्क की ताकत क्या है एंड टू बी फ्रैंक फ्रेंड्स जब मैं इसमें आया एज ए मैनेजर आया मैं प्रेस्टीज के अंदर पहले एक साल तक तो मैं ऐसे ऐसे जॉब प्राइवेट जॉब ऐसे होता ना नौकरी है कर लेते हैं वाली बात थी पहले एक साल लेकिन जब उसमें जाता गया घुसता गया तब मुझे समझ में आया ये कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है देखो एक बार समझो लोग एक चीज की तरफ भागते हैं कि अपॉर्चुनिटी पैसे की तरफ भागते सोचते हैं यार पैसा मिल जाए ये मिल जाए वो मिल जाए मेरे को गाड़ी मिल जाए बंगलो मिल जाए सब तो पैसा ही है ना मेटेरियल है यस या नो ग्रेट आप में से कितने लोग हैं जो कोई भी टू व्हीलर या गाड़ी चलाते हो कितने लोग कार बाइक कुछ भी चलाते हैं कार बाइक क्या बात है कितने दिनों से चलाते हो कितने लोग यहाँ पे 2 साल से ज्यादा उस गाड़ी को चला रहे हैं उसी गाड़ी को सेम गाड़ी को 2 साल से ज्यादा क्या बात है काफी सारे लोग हैं 2 साल ज्यादा अभी मजा आता है चला के दो साल पहले जब पहले खरीदा था मजा आता था दोस्तों मुझे आज भी याद है कि जब मैंने पहली बार अपनी अपाची RTR 160 ली थी जस्ट मैं रस्टी ज्वाइन ही किया था उस समय 26 में एज था 26 ईयर्स का था मैं अपाची RTR लिया था और पहले मतलब 7 दिनों के अंदर दैट बाइक रन मोर देन 700 किलोमीटर्स मैं सीधे 7 दिन में वापस सर्विसिंग क्योंकि आपको पता होगा बाइक लेने पे विदिन 500 किलोमीटर दोबारा सर्विसिंग करनी पड़ती है ना तो मैं 7 दिन वो भाई साहब बोले यार इतनी जल्दी बोले यार नई गाड़ी है फर्स्ट ईयर 18,000 किलोमीटर कहाँ गया पता नहीं लेकिन गया एनी टाइम बाइक से मीटिंग करना बाइक से अरे चलो बाइक उसके बाद पिछले 8 सालों से भूल खा रही है बाइक अब इंटरेस्ट नहीं रहा बाइक है कि नहीं होता है ना yes. दोस्तों मैं ये चीज इसलिए ये चीज कहना चाह रहा हूँ समझो जब भी हम करियर का चुनाव करते हैं अपने लाइफ में कुछ नया करने का चुनाव करते हैं हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं लेकिन हमारे दिमाग में एक बात चलती है क्या कि भाई वहां पे पैसा कितना मिलता है सिक्योरिटी है कि नहीं है ये से नो
और उसके बाद हम कुछ और सोचते हैं, परिवार, फैमिली लाइफ, ये वो ऐसा वैसा करते। यहाँ पे कोई है जो जॉब करता है पार्ट टाइम में हमारे साथ जुड़ा हुआ है? ऐसा कोई है जॉब या बिजनेस करता है पार्ट टाइम जुड़ा? हाँ तो जाओ, ईमानदारी से बताओ क्या बात है। कौन से हफ्ते में कौन से दिन हमको छुट्टी मिलता है ये बताओ? सैटरडे। वाओ, तो संडे मॉर्निंग को जॉब पे जाने का मन करता है क्या? पक्का? क्यों? संडे की छुट्टी थी यार, बॉडी रेस्ट कर देगा। यहाँ पे कितने लोग जो स्टूडेंट हैं अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं, क्या बात है। कॉलेज में छुट्टी कब होती है? किस किस को संडे मॉर्निंग को कॉलेज जाने का मन करता है? ईमानदारी से गौर करो, इतने लोगों ने हाथ उठाए, सिर्फ 5 लोगों को जाने का मन करता है। पता है क्यों? मैं दोनों कारण बताऊंगा। ये जो 5 लोग हाथ उठा रहे हैं, ये इसलिए जाने का मन करता है क्योंकि इस सब्जेक्ट का चुनाव इन्होंने अपने दिल से किया था। बाकी जितने लोगों ने इससे पहले कॉलेज वाले हाथ उठाए हैं, इन सब ने या तो समाज, पापा मम्मी, अंकल आंटी, भैया भाभी, किसी को देख के हाँ चलो हमको भी साइंस करना चाहिए, हमको भी आर्ट्स करना चाहिए, हमको भी कॉमर्स करना चाहिए, इसीलिए चुन लिया। मुझे करना है इसलिए नहीं चुना। और ये जो 5 लोगों ने हाथ उठाया कि मंडे को भी जाने का मन करता है, वो इसलिए हाथ उठाया क्योंकि इन्होंने चुना था अपने सब्जेक्ट को। ये जॉब वालों के साथ भी यही चीज है कि जॉब कर रहे हैं कि भाई किसी तरह घर चल जाए, नहीं चल कर पाएंगे तो घर नहीं चलेगा, मजबूरी है जाना पड़ेगा, बिजनेस है मजबूरी है करना पड़ेगा, इसीलिए छुट्टी जिस दिन होता है वीक ऑफ, उस दिन बॉडी पूरा रिलैक्स करता है और अगले दिन सुबह मॉर्निंग में ब्रेन जो कहता है यार तो फिर वही बोरिंग काम करना है। यही होता है ना, ब्रेन यही कहता है ना, फिर वही बोरिंग काम करना, आज भी आराम मिल जाता ज्यादा अच्छा होता, एक दिन और क्यों नहीं होता सैटरडे, जैसे इंडिया में कहते एक दिन और क्यों नहीं होता संडे, हम यहाँ पे कहते एक दिन और क्यों नहीं होता सैटरडे। दोस्तों मैं इसलिए चीज कहना चाह रहा हूँ, जब भी हम करियर का चुनाव करते हैं, देखो मैं आपको बताऊँ, मैंने ये चीज बहुत अच्छे स्पीकर इंडिया में है बिद्रा जी, मैंने उनसे सीखा और मेरे दिल पे घर गया कि जब भी हम करियर का चुनाव करते हैं हमें 4 सवाल हैं जो अपने आप से जरूर करने चाहिए। 4 सवाल जब भी कोई करियर का चुनाव करते, पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि क्या मैं ये काम तब भी करूंगा जब मुझे इसके पैसे नहीं मिलते हैं। पहला सवाल कि क्या मैं ये काम तब भी करना चाहूंगा अगर मुझे इसके पैसे नहीं मिले। क्योंकि एक बात याद रखना, जैसे मैंने पहले ही कहा कि जब आप दबाव में काम करोगे तो प्रभाव नहीं होगा। नई बाइक 2-3 दिन 2 महीने 3 महीने बड़ा मजा आता है, हर रोज साफ करते हैं हम उसको, यस या नो? पहले 2 सर्विसिंग तक टाइम पे सर्विसिंग कराते हैं, एक दिन भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए, डेट हुआ, किलोमीटर, अरे किलोमीटर हो गया आज सर्विसिंग कराना ही पड़ेगा। जैसे जैसे समय बीतता जाता है उसका इंटरेस्ट खत्म। यहाँ पे बहुत सारी लेडीज लोग भी बैठी हैं, मैं पूछा जब आप लोगों से, आप लोग जब नई साड़ी खरीदती हो या नए गहने खरीदते हो बड़ा एक्साइटेड होते हो ना, तब तक जब तक कि वो सारे रिश्तेदार एक बार देख न ले शादी या किसी चीज का, सारे रिश्तेदार को एक बार वो नई साड़ी दिखाती चाहे जितनी भी महंगी हो, उसके तो सारी अलमारी के किसी कोने में चली जाती है, बोलती यार पिछली बार भी तो पहना था, और पिछली बार 10 साल पहले हुआ उससे मतलब नहीं है, पिछली बार भी पहना। यस या नो? जब हम किसी चीज के दबाव में काम करते तो हमारे काम का प्रभाव नहीं होता, तो पैसे का भी दबाव नहीं होना चाहिए जब मैं काम कर रहा हूँ। यानी कि काम करते वक्त पहला सवाल क्या करना मुझे, क्या मैं ये काम बिना पैसे के माई कर। अरे हम लोग इतनी करनी है ना कि अपने माई को बंद कर रहा है, इसका बैटरी खत्म हो गया। आवाज आ रही है? दूसरा सवाल हमें ये करना है कि मैं जो भी ये काम कर रहा हूँ इसमें नया क्या है, इसमें नया क्या सीखने को मिल रहा है या नया क्या है, जो भी काम मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ या जो भी पढ़ाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसमें हमको सीखने के लिए नया क्या मिल रहा है। आई बात समझ में? इससे क्या होगा, मजा आता रहेगा। जैसे देखो जो आपने देखा होगा स्कूल कॉलेज में कुछ कुछ टीचर्स आते थे इस क्लास में पढ़ाने के लिए, तो उस क्लास में कोई नहीं सोता था चाहे जितना भी बोरिंग सब्जेक्ट क्यों ना हो। अब कुछ ऐसे भी होते थे टीचर्स जो इतना अच्छा सब्जेक्ट पढ़ाते थे मैथ्स साइंस पर, भी लोग सोते थे। क्यों? क्योंकि उनका पढ़ाने का ढंग नया था। ये से नो? तो हमें हमेशा दूसरा सवाल ये पूछना है कि हम जो भी काम करेंगे उसमें नया क्या सीखने को मिलेगा या नया क्या है। गौर करना, जब हमको प्रमोशन नहीं मिलता बुरा लगता है ना, जितने भी लोग जॉब करते हैं खासतौर पे, 2-3 साल काम कर लिया प्रमोशन नहीं मिला काम में बंद करता है करने का,
नहीं करने का मन करता है। आपको याद होगा जब स्कूल बचपन में आप स्कूल जाते थे और आपने फाइनल एग्जाम दे दिया और फाइनल एग्जाम के तुरंत बाद जैसे ही आप किताब चेंज मतलब नई किताबें आती है, याद करके देखो जब नई किताबें घर आती है उस रात को सोते हैं क्या करता है पूरा जितनी कहानियां जितनी तस्वीरें सब पढ़ जाएगा ये से नो इंटरेस्ट नया वही बुक दो महीने के बाद बोर्ड लगने लगती है ये जो मैं काम कर रहा हूँ इस काम से समाज में क्या बदलाव आएगा, सोसाइटी में क्या बदलाव आएगा। तीसरा सवाल, क्या मेरे काम से समाज में कुछ बदलाव आ रहा है, हाँ या ना? मेरे काम से समाज में कोई बदलाव आ रहा है, हाँ या ना? एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, याद करके देखो, आपके मोहल्ले में कोई डॉक्टर या टीचर था? ज्यादा क्या याद है? क्या बात है? और आपके मोहल्ले में कोई इंजीनियर या कोई और जॉब करने वाला था? उसका नाम याद है? आप देखोगे कि आपके मोहल्ले में जितने भी डॉक्टर और टीचर्स थे सबके बारे में आपको पता होगा वो कौन है, क्या है, कब जाते कब आते हैं, है कि नहीं? उनके फैमिली में कौन है? लेकिन वही दूसरे जॉब वाले इंजीनियर्स या कोई दूसरा नौकरी करते उनके बारे में बहुत थोड़ा सा नॉलेज है। कम्युनिकेशन में तो ठीक है तो पता ही नहीं कौन है। यस या नो? क्यों ऐसा? क्यों मास्टर साहब और डॉक्टर साहब के बारे में सबको पता होता है जबकि रिश्तेदार नहीं है, दोस्त नहीं है, तब भी बिल्कुल उनसे पब्लिक को कोई मतलब नहीं होता, जबकि टीचर और डॉक्टर से हर किसी को कोई ना कोई मतलब कभी ना कभी पढ़ना है तो लोग पहले ही जाते डॉक्टर लोग, अच्छा आपका नाम क्या, आपका सर, आपका पापा, भाई जान, पता, फोन नंबर क्या है, ये वो दोस्ती बनाने की कोशिश करते हैं। यस या नो? जब आपके काम का प्रभाव समाज पे पड़ेगा समाज आपके साथ जुड़ेगा, नहीं तो आपके साथ नहीं जुड़ता है। याद करके देखो, आपके ही इतिहास में देख लो, नेपाल के इतिहास में देख लो कितने राजा थे, उनमें से कितने राजाओं का नाम आपको याद है सोचो, और जिनके भी नाम याद होंगे इसीलिए याद होंगे क्योंकि उन्होंने कुछ ना कुछ काम समाज के लिए किया होगा। यस या नो? तो आपको तीसरा सवाल यही पूछना है या ये सोचना है कि जो मैं काम कर रहा हूँ इस काम का मेरे समाज में क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर पढ़ रहा है तो यस, नहीं है तो अगर इन तीनों सवालों के जवाब यस में आ रहा है तो चौथा सवाल पे आना है जो ऑटोमेटिक मिलेगा वो है पैसा। चौथा सवाल है जो कि ऑटोमेटिक मिलेगा, जो आंसर है वो है पैसा। ऑटोमेटिकली कि इसमें से मेरी इनकम क्या आएगी और इनकम जरूर है। आप गौर करना, डॉक्टर्स को कभी भूखे मरना पड़ता है? एक बार अगर वो अच्छा डॉक्टर बन गया उसको हमेशा क्लिनिक चलता ही रहता है। सेम टीचर्स को भूखे मरना पड़ता है? एक बार अगर उनका नाम एस्टैब्लिश हो गया स्टूडेंट लगे रहेंगे उनके घर में हमेशा, बहुत पैसा नहीं कमाएगा लेकिन पैसे मिलते रहेंगे। यस या नो? सबसे अच्छी बात है। अब हेल्दी लिविंग में क्या होता है, चलो इसको हेल्दी लिविंग से कंपेयर करता है, डाइट से कंपेयर करता है, इसमें क्या होता है? जब आप ज्वाइन करते हैं आपको पैसे आते हैं? जैसे यहाँ पे कोई है जो जॉब छोड़ के या कोई काम छोड़ के हेल्दी लिविंग करना शुरू किया? कोई भी अप्लायंस में किस वजह से क्या जब आपने हेल्दी लिविंग स्टार्ट किया आपका हाईएस्ट चेक किया था? हाईएस्ट इनकम स्टार्ट करने से पहले नहीं, हेल्दी लिविंग में जॉब में 20,000 rupees दूसरा सवाल का जवाब। यहाँ आने के बाद आपको नया क्या सीखने को मिला हेल्दी लिविंग में? क्या क्या शॉर्ट में बताओ, छोटे छोटे पॉइंट करो। स्पीकिंग कंप्लीट किसी भाषा में करो, कोई लेसन से करो, आगे मनी इंग्लिश से लेसन ट्रेनिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यानी कि हर रोज हर महीने कुछ ना कुछ नया।
बॉडी लैंग्वेज चेंजेस, बात करने का तरीका चेंजेस, वॉइस मॉड्यूलेशन में चेंजेस, प्रेजेंटेशन बनाने में कला, जूम मीटिंग करने की कला, उसमें तो जूम पता ही नहीं क्या होता था, जूम करने की कला क्या है, बिना लोगों से मिले हुए भी लोगों को मोटिवेटेड रखने की कला, ये सारी चीजें सीख गई। अब एक बात बताओ, आपकी टीम में कितने लोग हैं जिनकी इनकम 20,000 या उससे ज्यादा आती है? 15 लोग हैं जिनकी आमदनी इनके हाईएस्ट इनकम से ज्यादा है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या उन लोग की जिंदगी इनकी वजह से चेंज हुई? Yes, 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 yes. क्या समाज में बदलाव आया इनकी वजह से 20 सालों में आया बताओ? Yes. Yes, yes. देखो तीन लगातार जवाबों के जवाब यस आ गए। क्या पहला बिना पैसे के काम करना, दूसरा क्या नया कुछ सीखना, तीसरा क्या समाज में बदलाव लाना, जवाब भी यस में है। अब चौथा सवाल इनकम कितना होगा, हाईएस्ट इनकम बताओ ना क्या है? कितना? 2,97,000। मुझे मत बताओ भाई कितने दिन हो गए? 18 महीने लगभग काम किया इन्होंने, 18 महीने। अगर ये पुराना जॉब कर रहे होते 20,000 वाली, तो अभी तक कितना हो गया होता इनका? 20,000। अच्छा 3,00,000 पहुंचने में कितना समय लगता? कभी पहुंचता? समझो पहले तीनों सवालों के जवाब इन्होंने हाँ में दिए। क्या हाँ में? बिना पैसे के काम करने को रेडी, दूसरा सीखने को रेडी, तीसरा लोगों की जिंदगी बदलने को रेडी, चौथे सवाल का जवाब मिला पैसा मिलता कि नहीं मिलता? यस है ना? यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, थैंक यू। जो लगा इसको इसने इसको खड़ा किया, समझो ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। क्या कि हम अपने माइंडसेट को डेविएट करने की तैयारी नहीं, हमारे सामने खजाना रखा, हम सिक्कों के लिए भागते हैं। प्रॉब्लम यहाँ है, आज 18 महीने में ये हाईएस्ट चेक 3,00,000 तक पहुंच गया। मैं कहता हूं 3,00,000 अगर एक बार गया 20,000 के साथ देगा तो 15 महीने का इनकम है, एक महीने का इनकम है। यानी अभी पहले से बेहतर है, यस या नो? लेकिन इस बेहतर तक पहुंचने के लिए इसने पहले तीनों सवालों के जवाब हां में दिए। क्या बिना पैसे के काम करने वो सीखें लोग? तब चौथा सवाल का जवाब अपने आप आ गया। क्या आ गया? पैसे। दोस्तों मैंने इतनी बड़ी भूमिका इसलिए बांधी क्योंकि प्रॉब्लम के आते मैं आपको बताऊं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बुरा मत मानिएगा, आप सिर्फ कई ऐसे लोग हैं जो पहले तीन सवाल के जवाब ढूंढने से पहले चौथे सवाल के जवाब पैसे बुरा मत मानना, ये आप में से कई लोग ऐसे हैं। मैं मुझे बोल आपके दिमाग में ये चलता है सर लॉन्च कर लिए 2,000 का चेक, सर स्टार बन गए 10,000 का ही चेक आया, सर घट गया मेरा चेक। मुझे बस बताओ यहाँ पे हेल्दी लिविंग काम करने के लिए कितने लोग ऐसे आए जो 20,000 रुपये महीना कमाने का सोच के आए? कोई आया? कितने लोग आए जो 1,00,000 रुपये महीना कमाने का सोच के आए? कम से कम, कम से कम 1,00,000 तो महीने का चाहिए। कितने लोग हाथ उठाए मानते थे कि मुझे 1,00,000 तो मतलब चाहिए ही चाहिए? अब मुझे बताओ जब तक 1,00,000 पहुंचे नहीं तो चेक देखना क्यों है? जो आया आया, जो आया पॉकेट मनी है वो सोच। स्कूल कॉलेज जाते थे पापा मनी पॉकेट मनी देते थे, बस ये वही स्कूल कॉलेज है जहाँ पापा मम्मी हेल्दी लिविंग वाले वो पापा मम्मी मिलते हैं खर्चा करने के खुद के ऊपर। और जब तक 1,00,000 की जॉब नहीं आएगी, 1,00,000 की सैलरी नहीं आएगी, तब तक हमें देखना ही नहीं कितना आ रहा है अकाउंट के अंदर। जब ये फोकस बना लोगे ना दोस्तों तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन उस फोकस के लिए पहले खुद को तैयार करना पड़ेगा। पहले तीन सवालों के लिए बिना पैसे के काम करना सीखना है, लोगों की जिंदगी बदलनी है। मैं आपको बोला दोस्तों बहुत बुरा हम मानेगा कई बार कृष्णा और ये लोग परेशान रहते हैं उसको मीटिंग कर करके बंद करो काम नहीं है सब बंद। ये जो हमारे अप्लाइंस है ये कई बार परेशान होते हैं जूम मीटिंग कर करके, जूम मीटिंग करते बोलते लोग आओ कितने आते हैं 5, 10, 15, 20, 35, 40 क्यों होते हैं ऐसा पता है? क्योंकि सीख की जरूरत है। हम सब हमको सब आता है, दिमाग में चलता है। और कई ऐसे भी लोग हैं जो हर मीटिंग में आते, चाहे कुछ भी बिजी हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, बाइक हेडफोन लगा के बोलते हैं सर बाइक पे वीडियो और नहीं कर सकते, लेकिन हम सुनेंगे जरूर। कुछ ऐसे भी लोग हैं। और मैं आपको दोस्तों बताऊं वही लोग होते हैं जो अपनी जिंदगी को बदलते हैं, वही लोग होते हैं जो सफल होते हैं, क्योंकि हर रोज थोड़े थोड़े बदलाव से ही आप आगे जा सकते हैं। दोस्तों देखो डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क इंडस्ट्री जो है बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी चीज है। आज आपको लग रहा होगा कि यार कितना बिक जाएगा, कितना हो जाएगा। मुझे एक बात बताओ यहाँ पे कितने लोग जब फुटबॉल से हैं? यहाँ पे कुछ लोग काठमांडू से भी आए होंगे। क्या किसी को फुटबॉल या काठमांडू की पॉपुलेशन पता है आबादी?
कितने लोग हैं काठमांडू में, कितने लोग हैं कोई बता सकते हैं, कितने लोग हैं 12-15, 13 लाख, 17 लाख, 10 लाख काठमांडू में कितने लोग हैं? 40 लाख मार्केट की अगर ये टूथपेस्ट यूज कर जाएगा, ये टूथपेस्ट मार्केट से ले रहे वेस्टीज वाला या हेल्दी लिविंग वाली बात नहीं कर, डेंटल शो की बात नहीं कर रहे, मार्केट वाले टूथपेस्ट ले रहे, लगभग कितने की आती है मार्केट की टूथपेस्ट? 80 चलो 50 रुपए में आती है, चलेगा? 50 रुपए का टूथपेस्ट लगभग हर परिवार में एक ट्यूब तो हर महीने चाहिए। 80,000 फैमिली 50 रुपए का टूथपेस्ट कितना हुआ? 50 रुपए 80,000 फैमिली 40 लाख कोई 40 लाख कोई 40 करोड़ बीच में भी आ जाओ यार 4 करोड़ 4 करोड़ रुपए का सिर्फ टूथपेस्ट अकेले काठमांडू वैली में बिकता है। 4 करोड़ का टूथपेस्ट अकेले काठमांडू वैली में बिकता है। आज हेल्दी लिविंग का सेल एवरेज 10 करोड़ का है, तो आपकी टीम में कोई बंदा है जो 3 लाख कमा रहा है, सिर्फ अगर टूथपेस्ट 4 करोड़ का एक शहर में बिकने लगे उसका चेक सोचो क्या होगा, इमेजिन करो। सिर्फ एक टूथपेस्ट की बात कह रहा हूं मैं, 4 करोड़ का। साबुन है, नहाने का शैम्पू है, इन सबको जोड़ के चलो। दोस्तों मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि मार्केट कितना बड़ा है और हमारी सोच कितनी छोटी है। आज हम जब 10 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं महीने का, तो बंदे का चेक 3 लाख से ऊपर है। यहाँ पे 3 लोग शायद हैं जैसे जो 3 लाख के एवरेज चेक से ऊपर कमा रहे हैं। सोच के देखो जब ये 100 करोड़ महीने का हो जाएगा तो आप में से कितने लोग होंगे जो 3 लाख पे होंगे, जस्ट इमेजिन करो। तो आज डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा उद्योग है, और मैं आपको बता दूं वही इनफाइनाइट सक्सेस का पाथ है, असीमित सफलता का रास्ता है। देखो डायरेक्ट सेलिंग हम सभी को पता है क्या होता है, हम सभी को पता है, फिर भी मैं बता दूं कि डायरेक्टली किसी भी इंसान को प्रोडक्ट बेचना ही डायरेक्ट सेलिंग है। अगर मैं एक बात करूं इसको चार्ट के हिसाब से, तो डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, एक मैन्युफैक्चरर होता है, एक फैक्ट्री होती है नॉर्मल मार्केट में, और एक कंज्यूमर होता है। इस मैन्युफैक्चरर का काम क्या है, ऐसे उत्पाद बनाना, प्रोडक्ट्स बनाना जो ये इंसान यूज करे, यस या नो? अब इस इंसान तक प्रोडक्ट पहुंचते कैसे, तो नॉर्मल मार्केट प्लेस में क्या होता है, ये सबसे पहले होलसेलर के पास जाएगा, वहां से रिटेलर के पास जाएगा, वहां से कंज्यूमर के पास आएगा, यस या नो? और सिर्फ इतना ही नहीं, यहां से यहां तक आने के दौरान कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कंज्यूमर तक इस प्रोडक्ट की जानकारी पहुंचाने वाले होंगे, जिसकी वो मार्केटिंग कहते हैं, सेल्स टीम कहते हैं, जो इसके बारे में लोगों को बताते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में ये रास्ता छोटा हो जाता है, क्या हो जाता है, सीधे बीच में डायरेक्ट सेलर्स आ जाते हैं और कंज्यूमर्स। शॉर्ट हो गया, अब रास्ता जब छोटा हो जाएगा, सोच के देखो शॉर्टकट लोगे तो तेल की खपत तो कम होगी ना, पैसे बचेंगे कंपनी के पास, जो पैसे बचते कंपनी क्या करती है, डायरेक्ट सेलर और कंज्यूमर्स में बांट देती है डिस्काउंट के रूप में, ऑफर्स के रूप में। आज हेल्दी लिविंग में जो कोई भी ज्वाइन करता है, गौर कीजिएगा, उसको 10% का तो डिस्काउंट मिलता है, यस या नो? यस। 10% का लगभग रिपर्चेस ऑफर मिलता है, यस या नो? यस। उसके बाद लगभग 20% से 25% कंसिस्टेंसी ऑफर मिलता है, यस या नो? यस। आप जोड़ के देखो 10+10+20 कितना हो गया, 40 से 45% 40 से 45% तो हर यूजर को यहाँ पे डिस्काउंट मिलता है, यस या नो? यस। मैं यूजर की बात कर रहा हूँ, हाँ, रिटेलर की नहीं, दुकानदार की नहीं, जो प्रोडक्ट बेचने के लिए यूज करते हैं, फिर भी वो 40-45 रुपए बचा सकते हैं हर खरीद के ऊपर। अब बताओ जो लोग कहते हैं, कुछ लोग मुझसे कहते हैं सर तेल बहुत महंगा है, सर ये बहुत महंगा, सर वो बहुत महंगा, लोग कहते हैं आपको आगे, मुझे एक बात बताओ, कोई भी प्रोडक्ट उठा लो उसमें से 40% माइनस कर दो और बताओ मार्केट से महंगा है कि सस्ता है, कोई भी प्रोडक्ट में बात करो, सस्ता। आप एश्योर सोप बात कर लो, राइस ब्रैन ऑयल बात कर लो, बहुत महंगा लगता है लोग, राइस ब्रैन ऑयल दाम बढ़ गया 900 रुपए हो गए, 40% माइनस कर दो, 360 रुपए माइनस कर दो उसमें से, अब बताओ महंगा है कि सस्ता है, सस्ता है ना? यस। जो लोग कहते हैं महंगा ना, आपको ये बताओ, हम ये बताने में चूक जाते हैं, इनको समझाने में चूक जाते हैं कि भैया ये असल में मैंगो नहीं है, ये सस्तो है, नेपाली में ऐसे कहते हैं ना,
बिल्कुल सस्तो छे अच्छा सस्तो छ तो ये बताना है हमें लोगों तक पहुंचाना है। और सबसे बड़ी बात ये कहना है कि भाई मार्केट के तेल में तो पकोड़ा इतने साल खा लिए, क्या आपको कुछ मिला? नहीं। लेकिन राइस ब्रेन ऑयल में पकोड़ा खा के मेरे अपलाइन को 3 लाख रुपए महीना मिल रहा है, बता सकते हो? यही तो बताना है कि राइस ब्रेन ऑयल में पकोड़ा खा के खाने से मेरे सीनियर है जिन्होंने मुझे इस बिजनेस के बारे में समझाया है उसको 3 लाख रुपए महीना मिल रहा है। अब बताओ पकोड़े खाओगे सिर्फ अपने घर में या कहीं और भी खिलाओगे? ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग के एडवांटेजेस क्या है ये हम सबको पता है, कि फिर भी मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि सबसे पहली बात क्या है कि यहाँ पे रिस्क ना के बराबर है, आप पैसा कुछ नहीं लगाते। यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी डिमांड बढ़ती जा रही है, गौर करो नेपाल के अंदर भी सस्ता प्रोडक्ट किसी को नहीं चाहिए, क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो टाटा की नैनो बहुत बिकती है, नैनो बिकती ही नहीं है, सस्ती है ना फिर भी नहीं बिकती, लेकिन रैंड रोवर जरूर बिकती है जो कि सबसे महंगी गाड़ी, रेंज रोवर वगैरह सब बिकती है, गाड़ी ऑडी बिकती है, ये से नो। तो लोग यहाँ पे क्वालिटी का डिमांड करते हैं। तीसरी चीज क्या है इसमें बेनिफिट कि डायरेक्ट सेलिंग में आपको रेसिड्यूअल इनकम मिलता है, मतलब एक्स्ट्रा इनकम आपको इस मान यहाँ पे हमेशा डायरेक्ट सेलिंग में क्या मिलता है, हमेशा एक्स्ट्रा इनकम, यस या नो? और तो और यहाँ पे इनकम की पोटेंशियल बहुत हाई है। मैंने आपको बताया सिर्फ एक शहर का एग्जांपल दिया मैंने कि जहाँ पे सिर्फ एक शहर में भी अगर हर घर में मैं पहुंचाऊं टूथपेस्ट तो 4 करोड़ का बिजनेस तो हर घर में है, हर शहर में। आज काठमांडू जैसे पॉपुलेशन देखा जाए नेपाल की कितनी है, 3.5 करोड़, 3.5 करोड़ के लग, तो कितनी नेपाल की पॉपुलेशन 3 करोड़, 3 करोड़ के हिसाब से भी देखा जाए तो आप सोच लो 60 लाख परिवार हैं, और 60 लाख परिवार अगर 50 रुपए का भी टूथपेस्ट यूज करते हैं जस्ट इमेजिन करो कितना बड़ा बिजनेस है यहाँ पे, यस या नो? तो हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए, हर एक घर तक पहुंचाने का प्रोडक्ट को। और जब ये काम हम कर सकेंगे तो ऑटोमेटिकली सिर्फ टूथपेस्ट बेच के ही हम 15-20 करोड़ का बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, सिर्फ टूथपेस्ट बेच के, बाकी प्रोडक्ट तो छोड़ो। तो हमारा ये बहुत बड़ा इनकम का पोटेंशियल है। पांचवी चीज क्या है कि यहाँ पे कोई इम्प्लॉयज की जरूरत नहीं है। आज अगर उसको 3 लाख रुपए सुजन को महीने का कमाना पड़े, सुजन ही नाम है ना, संदीप, अच्छा सॉरी संदीप खनन है ना, संदीप को अगर ये 3 लाख रुपए महीना बिजनेस से कमाना पड़े, कोई भी दूसरा बिजनेस चाहे वो शॉप हो या कोई बिजनेस लगाना हो, तो 3 लाख रुपए महीने का मतलब होता है कम से कम उसको 15-20 से ज्यादा स्टाफ रखने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे आप संदीप ने कितने स्टाफ रखे, किसी के घर चलाने की जिम्मेदारी इसकी नहीं है, अलग बात है 20 लोगों के घर में 20,000 रुपए महीना पहुंचा रहा है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी नहीं है। और तो और सबसे बड़ी बात, आप अपना समय और जगह चुनते हो। गौर करो पिछले 2 दिन से लगातार आप पोखरा में बैठे हैं, कल भी बैठे थे आज भी बैठो, यस या नो? आप में से किस किस का पीवी घट गया है बताओ, तो पोखरा के फोटोज भेजे हो पीवी नहीं आया हो, कौन कौन जिसका पीवी नहीं आया इस महीने अभी तक, बड़ा है ना? जब पोखरा का फोटो भेजोगे कि मैंने पोखरा में इतनी मस्ती की, ये किया वो किया, ये मस्ती क्यों हो पाई, क्योंकि मैं ब्रोंज एक्टर हूं, मैंने ये किया, तो नीचे वाले कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे ब्रोंज बनने का। तो यहाँ पे आप अपना समय चुनते हो, आपने 2 दिन से कोई काम नहीं किया होगा, बस यहाँ से ना फोन या फोटो मैसेज भेजे होंगे, लेकिन फिर भी आपका पीवी या आपकी टीम में ज्वाइनिंग की संख्या बढ़ी है। और मुझे ये जरूर पता है कि आज मीटिंग खत्म करके जाओगे तो कल से और ज्यादा बढ़ेगी, जब लोगों के साथ आप ट्रेनिंग्स वगैरह को शेयर करोगे कि आपने क्या क्या सीखा, यस या नो? यस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना। साथ ही साथ जो सातवां जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दुनिया का वो जानवर है ना जो बहुत खतरनाक होता है, कौन सा जानवर? बॉस होता है ना, इसको हमेशा आपके काम से कभी संतुष्टि नहीं होती, जो भी यहाँ पे नौकरी का तो उनको पता है, आप जितना अच्छा कर दोगे उनको फिर भी जाएगा कुछ कमी है, आपने काम ही नहीं किया उनको जाएगा सारा, तो उन्होंने ही बताया था जो आपने किया है, जबकि आप अपने दिमाग से कर रहे होते हो। तो ये बॉस इतना खतरनाक जानवर है जो हर बिजनेस में रहता है, हर जॉब में होता है, लेकिन क्या डायरेक्ट सेलिंग में कोई बॉस होता है? कभी आपके अपलाइन कृष्णा शाह ने बोला है कि कल सुबह 9 बजे नहीं आओगे तो तुमको नौकरी से निकाल देंगे, 15 मिनट लेट क्यों आया, बोला है? नहीं बोला है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है। फिर भी हम गलती क्या कर जाते हैं समझिए, आज जब इसको 20,000 की सैलरी थी कितने घंटे काम करना पड़ता था भाई संदीप? 6 से 8
घंटे रोज काम करना पड़ता था, एक दिन हफ्ते में छुट्टी मिलती थी, महीने में दो दिन एक्स्ट्रा छुट्टी मिलती होगी, बीमार पड़ गए, बुखार हो गया, इसके लिए से नो सिर्फ इतना 6 से 8 घंटे रोज काम करना पड़ता था। बाहर धूप आए तो ठंडी में जाना पड़ेगा। यहाँ पे बुरा मत माना, टोटल कितने लोग हैं? 85 है ना। इस 85 लोगों में से कम 50 लोग ऐसे हैं जो आज के डेट में भी बहाने देते हैं कि सर बहुत बारिश हो गई सर, इसलिए मीटिंग में नहीं आ पाए। बुरा मत मानना, होता है ऐसे। अगर दिल पे हाथ रखे बोला, मुझे तो बोलना, खुद को बोलो, सोच के देखो, यही अगर आप नौकरी कर रहे होते तो कह पाते सर आज बुखार, आज ऑफिस नहीं आ पाएंगे, जैसे ही कहते सैलरी कट, दूसरी बार कहते सैलरी नहीं नौकरी कट, पहली बार सैलरी कट और दूसरी बार नौकरी कट। और यहाँ पे जैसे ही हम कहते हैं कि भाई करियर बनाना है, इसके लिए तुमको सीरियस होना होगा, जैसे सीरियस की बात कहते हैं तुरंत लोगों के दिमाग में कुछ और ही चलने लगता है। अरे यार आएगा ना सर, है ना, क्या करेंगे सर, डांटेंगे थोड़े, जैसे ना डांटेंगे तो सुन लेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे, क्या होता है, यही सच दोस्त है। और ज्यादा से ज्यादा ज्यादातर लोग यहाँ पे, ज्यादातर क्या, लगभग 80% लोग हमारे सिस्टम के अंदर आके 10% भी काम नहीं करते, जो 10% काम हो नौकरी में कर सकते। वहां पे एक जानवर है सर पे बैठा हुआ, चिल्लाता रहता है, गुर्राता रहता है, फिर भी उसके वहां पे हम 100% देने को तैयार हैं, यहाँ पे हम 10% भी देने को तैयार नहीं है। और इसी वजह से हमारे करियर पे क्वेश्चन मार्क लगता है, डायरेक्ट सेलिंग पे क्वेश्चन मार्क इससे लगता है। सोच के देखो, एक सेल्स मैन देखा है घर में जाके माल बेचता है, सामान बेचता, देखा है आपके यहाँ पे भी है ना सेल्स मैन लोग होते हैं ना, अगर वो एक दिन साइकिल लेके अपना नहीं निकले, एक दिन, उस दिन से घर में खाना बनेगा? आप कैसे सोच सकते कि एक दिन अगर आपने होम मीटिंग नहीं किया, एक दिन अगर आपने लोगों को प्रोडक्ट नहीं समझाया, एक दिन अगर बिजनेस नहीं समझाया, तो आपके घर में खाना बन सकता है? और उसके बाद एक साल बाद आके बोलोगे, दूसरों को बोलोगे, अरे यार बहुत कंपनी देख, कोई सफल नहीं होता, 2-4 लोग सफल हो जाते, नहीं तो नहीं होते। होता है ऐसा? मैं आपको बताऊं, आज मैं इसके साथ आ रहा था, डॉक्टर साहब के साथ आ रहा था, और डॉक्टर साहब कह रहे कि सर बाइक से ही आए हैं फुटबॉल, और आज शाम को हम बाइक से काठमांडू निकले, क्योंकि कल बहुत बड़ी मीटिंग है सोनू शर्मा जी के साथ। आप बताओ, डॉक्टर साहब चाहे तो हवाई जहाज से भी जा सकते हैं। हाँ डॉक्टर नहीं, अच्छा बी आर बच्चा है नाम, अच्छा या DRDR से मुझे लगा डॉक्टर है। चलो कोई नहीं, तो DR बच रहा है, अगर काठमांडू में जो जाएंगे वहां पे जो उनकी टीम है उनसे मिलने के लिए बार बार टैक्सी लेने में बड़ा दिक्कत होगा, तो इसीलिए बाइक से अभी थोड़ा मेहनत कर लेंगे 4-5 घंटे की, लेकिन वहां जाके आराम होगा, हर किसी के घर पे जाकर नॉक करके मीटिंग करके आ सकते हैं। आगे की सोच, हम सोचते अरे यार कौन बस से जाएगा, सर अगर टैक्सी कर देते अच्छा रहता, हवाई जहाज में चले जाते अच्छा रहता, मेहनत कौन करता है। और मैं आपको बताऊं, यही सोच हमें पीछे लेके गया, यही सोच हमें रोकती है हमारी सफलता के लिए। तो जो मैं बता रहा था कि यहाँ पे कोई बॉस नहीं होता, डायरेक्ट सेलिंग एक बिजनेस है जहाँ पे सेल्फ रियलाइजेशन करना है, खुद को समझना है क्या गलत है क्या सही है। मैं आपको बताऊं, आपको क्यों मैं इनके एग्जांपल दे रहा हूं, क्यों? क्योंकि आपको ये समझना है कि क्या आप ये गलती दोहरा रहे हो, अगर हाँ नहीं करो, बदलो अपने आप, क्योंकि अगर नहीं बदलोगे तो ये गलतियां आपको पीछे धकेलेगी, आगे बढ़ा नहीं सकती, और अगर बदल लोगे इनके जैसा बन जाओगे, पागल बन जाओगे, तो भाई आगे ही जाओगे, पीछे नहीं आ पाओगे, ठीक है। और तो और हमेशा याद रखिएगा, ये एक सिस्टम है जो आपको काम जरूर करेगी, बस इस सिस्टम के लिए आपको काम करने का मौका देना होगा, समय देना होगा। 1 साल इन्होंने बताया ना, ये संदीप ने, कि 11 महीने तक इनका चेक 20,000 पहुंचा ही नहीं था, यानी 11 महीने तक 0,0,0,0 नेगेटिव नेगेटिव लॉस 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 लॉस, 11 महीने के बाद 15 महीने तक में हाईएस्ट चेक क्या हो गया, 3,00,000, यानी 6 महीने में जितना कमा लिया वो पिछले 15 महीने में नौकरी कर तो नहीं कमा पाते। अब सोच लो, तो ये चीज है ना समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि सिस्टम को समय देना होगा। जैसे आपने देखा है ना घास, घास देखा ना सबने, अब बांस भी देखा होगा, आपको पता है दोनों एक ही जाति के होते हैं, पता है, घास और बांस दोनों की जाति एक ही होती है। अब एक की लंबाई सोचो कितनी होती है और दूसरे की लंबाई,
घास को उगने में कितने दिन लगते हैं? कुछ दिन, जबकि बांस को उगने में बहुत टाइम लगता है, एक एक दो दो साल लग जाते, कई बार तो तीन तीन साल लग जाते हैं बांस के जंगल को तैयार करने। तो दोस्तों ये हमेशा याद रखना, बनना क्या है एक बात याद रखना। लोग अक्सर कहते हैं कि सर काम करने का मोटिवेशन नहीं मिलता। कितने लोग ऐसा सोचते हैं कि सर काम करने का मोटिवेशन नहीं मिलता? कोई है या काम करने का मन नहीं करता सर, हमको एनर्जी डाउन हो जाती है, मोटिवेशन नहीं होता। आपकी मीटिंग सुनते हैं, अपलाइन को बोलते हैं सर आपकी मीटिंग होती तो बिजनेस सर से भाग जाता है, कहीं मैं को मोटिवेशन नहीं होता, मैं नहीं मोटिवेट कर पाता। ऐसा कोई है? मोटिवेशन का मतलब क्या होता है? ऊर्जा। क्या बात है, मोटिवेशन। और कुछ? रिचार्ज होना। क्या बात। मोटिवेशन नॉर्मली ना दो तरह का होता है, एक होता है एक्सटर्नल जो बाहर से आता है, कोई ना कोई देता है, कोई ना कोई आपको देता है। आप आए सोनू शर्मा सर की मीटिंग सुन ली है, वाह सोनू शर्मा सर की मीटिंग सुन ली है, मजा आ गया। पता है ये जो एक्सटर्नल मोटिवेशन है ना, ये अच्छा है बुरा है? मतलब क्यों तो दिखाऊंगा, देखिए इसको एक्सटर्नल मोटिवेशन मिल रहा है। क्या हो गया इससे सर? जब भी आप एक्सटर्नल मोटिवेशन के भरोसे रहेंगे यही होगा। बाहर से आदमी आपको फुल चार्ज आप भागोगे, लेकिन वो भागना अंदर से तो आएगा नहीं। और जब पीछे कोई आपकी इंजन लगा देगा और भगाएगा, मान लो या पीछे कोई कुत्ता दौड़ा देगा, भाग रहे हो तेज भाग रहे हो, तो क्या होता है रास्ते में? गिरते हो कि नहीं गिरते हो? गिरते हो कि नहीं गिरते हो? यही होगा कि जब मोटिवेशन बाहर से मिलेगा, ऐसी अंडे की जैसी हालत होगी कि थोड़ा देर तो दबाव महसूस होगा, काम कर सकते, लेकिन थोड़ा ज्यादा हुआ तो मोटिवेशन कैसी चाहिए? हमेशा याद रखना कि क्यों हम, क्या कारण है हम यहाँ पे आए। अगर वो कारण आपको याद रहे हमेशा, तो आप कभी भी रुकोगे नहीं, थकोगे नहीं, भागते रहोगे। कि जब आप अंडे को बाहर से दबाते हो वो टूट जाता है, वही अंडा जब अंदर से दब के टूटता है तो उसमें से क्या निकलता है? चूजा। चूजा, जीवन। आपको अपने आप को उस अंडे की तरह सोचना है जो कि अंदर के मोटिवेशन से जागना चाहिए, ना कि कि जब बाहर के मोटिवेशन जगेगा, आज संजीत कुंडू आ जाएंगे, सोनू शर्मा सर आ जाएंगे, बाली सर आ जाएंगे, तो मैं एक महीना काम कर लूंगा या कर लूंगी, उसके अगले महीने खुश हो जाऊंगी, तो क्या होगा पता है? आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको ये होना चाहिए कि मैं इतना काम करूंगा कि संजीत सर मजबूर होकर मेरी मीटिंग में आएंगे, मैं इतना काम करूंगा कि सोनू शर्मा सर मेरे से मिलने आने चाहिए, और मैं इतना काम करूंगा कि बाली सर आखिर में मेरे से मिलने आएंगे कि भैया बेटा तू कर क्या रहा है, या मुझे बुलाएंगे कि बेटा तू इधर आ, मैं तेरे से मोटिवेट होना चाहता हूं। इस तरह की सोच बनाना, ठीक है, तब जाके आप आगे बढ़ पाते हो, नहीं तो क्या होगा, आप रिग्रेशन में रहोगे, पीछे की तरफ घूमोगे। देखो एक चीज याद रखना, मोटिवेशन के साथ साथ एक और वर्ड है जिसको कहते हैं परसिवरेंस। इस वर्ड को शायद आपने कहीं सुना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे, एटलीस्ट हमारे तो जिंदगी को जरूर है, जिसमें हम डेट से जिंदगी करते हैं, नेटवर्किंग जिंदगी कहते हैं, इसमें बहुत जरूरी है। परसिवरेंस को समझाने का एक छोटा सा लाइन मैंने चुराया है किसी से, मैल्कम जी से, डायमंड्स आर नथिंग मोर देन चंक्स ऑफ कोल दैट स्टक टू देयर जॉब्स। डायमंड्स, हीरा जानते हो, सब जानते हो, लेडीज ने सबसे पहले यस बोला, सबसे प्यारा चीज होता हीरा है ना। हीरा मिलता कहाँ है? कोयले की खान में, हर जगह नहीं मिलता हीरा, कोयले की खान में ही मिलता है। तो हीरा बनता किस चीज से है? किसी से बनता है? कोयले से बनता है। हीरा बनता है कोयले से। अब घर में कोयला रख दो, बन जाएगा हीरा? तो उसको कई हजार लाख मैट्रिक टन वजन में दबाओ, कई हजार डिग्री गर्म करो, तब जाके छोटा सा कोयले का टुकड़ा जो बिल्कुल साफ सुथरा है वो हीरे में बदलता है। और फिर भी उस हीरे की कीमत ज्यादा नहीं होती, फिर उस हीरे को क्या करना पड़ता है? लोहे पे घिस घिस के तराशना पड़ता, उसमें एंगल्स लानी पड़ती है, तब जाके वो हीरा मार्केट में बिकने लायक बनता है। यस या नो? यस। क्या हमने अपने आप को वहां तक कन्वर्ट किया, उतर दबाया? परसिवरेंस जो होता है वो पर्सिस्टेंस इन स्टिकिंग टू अ प्लान।
इसका मतलब ये हो गया कि हमने दिमाग में एक प्लान बनाया, जैसे अभी ऑलरेडी कृष्णा सर ने आपसे कल गोल सेटिंग के ऊपर बात किया होगा, लक्ष्य के ऊपर बात करके लक्ष्य बनाने हैं, तो ये लक्ष्य बन गए, इस लक्ष्य पे जुड़े रहना है, चिपके रहना है, हिलना डुलना नहीं है। लोग गलती क्या करते हैं, अपने लक्ष्य पे ही टिके हुए नहीं रहते। कई ऐसे लोग हैं, आप में से कितने लोग हैं जो अपनी डायरी पे अपना अपना गोल लिखे हो, लक्ष्य लिखे हो? वेरी गुड। और कितने लोग हैं जो रोज दिन कम से कम 10-12 बार लक्ष्य को देखते हो, पढ़ते हो, फील करते हो? फील करते हो, मैंने कहा मजबूत बनाना। और अभी तक जिसने भी मेरे हिंदी में काम नहीं किया वो करके दिखाना और अपना लक्ष्य पूरा करना। वही तो मेरा लक्ष्य है। क्या मेरा लक्ष्य है? मेरा फैमिली मजबूत से चला के मैं अपने फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता हूँ। एकदम तुम नेपाल, आप नेपाली में बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ आएगी, मुझे भी समझ आएगी। बोलो, फिर से बोलो। मैं आपको परिवारलाई फाइनेंशियल रूप में फ्री करना चाहूँ, र फाइनेंशियल रूप में फ्री भैस संपूर्ण परिवार सुखी हो। सुखी भैस मैं एटा व्यक्तिगत एटा गाड़ी में हिड़ना चाहूँ सर। 2073 भित्र 2083 भित्र गर्ने मेरो लक्ष्य हो। 2 वर्ष भइसक्यो, अब 3 वर्ष भएको छ, 3 वर्ष मात्रै गरेर छोड्छु भन्ने चाहिँ। अब मैं आपको बता रहा हूँ, इनके लक्ष्य में सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी ये लक्ष्य पूरा होने में दिक्कत है। क्यों बताए? इन्होंने कहा मुझे अपने फैमिली को फाइनेंशियली फ्री करना है। कैसे? कैसे? पैसे से? कितने पैसे चाहिए? महीने का 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 10 रुपये नंबर भी आएंगे, एक नंबर होना चाहिए। गाड़ी लेनी है तो 4 चक्के की तो ठेला गाड़ी भी आती है, आती है ना ठेला गाड़ी, तो उसमें बैठा के घुमाओगे फैमिली को? नहीं ना। तो एक गाड़ी होगी जो कम से कम 15-20, आपके यहाँ तो कम से कम 20 लाख से तो मिनिमम शुरू होती है, है ना, तो 50 लाख 60 लाख होगा। तो आपके नंबर्स में डेट है, सही है, मैं कहा आधे हैं, मैंने इसे कहा हाफ है। क्यों? क्योंकि आपके डेट तो है, कितने दिनों तक मुझे लेनी है, क्या लेनी है इसका नहीं पता। अब सोच के देखो, आपने कहा कि आप 83 में, अभी कौन सा चल रहा है, 79, तो 4 साल के बाद आपको एक कार लेनी है, कितने की लेनी है? तो मैडम इनका सपना था, किसने कहा 2 करोड़? अच्छा आप इनको खरीद के दे दोगे मैडम? समझ रहे हो गलती कहाँ हो रही है? मैं ये इनका एग्जांपल है कि आप सबको बता रहा हूँ कि आपका लक्ष्य जो है स्मार्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, एक्शनेबल, रेशनल, टाइम बाउंड। कि गाड़ी लेनी है तो कौन सी लेनी है, कितने की लेनी है, मेजर करो उसको। समझ में आ रहा है? प्लान बनाओ, एक्शनेबल प्लान बनाओ कि क्या मैं यहाँ तक पहुंच पाऊंगा तो कैसे पहुंचूंगा, रास्ता क्या है, वो तर्क संगीत होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात टाइम बाउंड। अगर टाइम है बाकी सब नहीं होता, तो अपने लक्ष्य को वैसा बनाओ। मैंने इसलिए कहा क्योंकि परसेवरेंस तभी काम करेगा जब आपके पास लक्ष्य होंगे। जैसे आपने देखा है कभी वो बड़ा को वो बड़े बड़े पत्थर तोड़ते ना, लेबर लोग देखा है तोड़ते ना, कैसे तोड़ते हैं, हथौड़े से मार मार के, छेनी हथौड़ा से, क्या बात है, कितनी बार मारते होंगे सोचो, 50-60 कम से कम। आप सोचो एक बड़ा सा पत्थर तोड़ने में 50 बार लगता है। अब मैं गया, मैं 40 बार मार के चला आया, और मेरे पास संदीप गया 40 बार, 10 बार मारा तो टूट गया। अब बताओ मेरे 40 ज्यादा इम्पोर्टेंट थे या संदीप के 10? मेरे 40 है, संदीप के 10 इम्पोर्टेंट है, तो मैं तो संदीप को पहले 10 मरवा देता, खत्म हो जाता, मेरी जरूरत ही नहीं थी। सबके सब समझो, इसी को कहते परसिवरेंस, कि संदीप के 10 जितने जरूरी थे उतने ही जरूरी मेरे 40 भी थे। अगर मैंने 40 बार मार के छोड़ा नहीं होता और 10 बार मारने की सोच ली होती तो शायद पत्थर मेरे हाथ से ही टूट जाता, लेकिन मैंने क्या क्या छोड़ दिया, और संदीप की किस्मत अच्छी थी, उसने उसी पत्थर को पकड़ लिया और 10 बार में हो गया। इस बात ये नहीं कि 10 बार करके संदीप बहुत अच्छा हीरो बन गया, कि नहीं मैंने तो 10 में ही तोड़ दिया, ऐसी बात नहीं, पत्थर तो 50 में टूटा है। यानी मेरे 40 भी बहुत इंपॉर्टेंट थे और 10 भी, मैं ये चीज बता रहा हूँ, परसिवरेंस इसी को कहते हैं। एक प्लान बनाओ, उस प्लान पे लगातार चलते रहो, ये नहीं कि थोड़े थक गए, रुकावट आ गई तो पीछे बैक ऑफ करके, नहीं,
बैकअप नहीं करेंगे, थक गए रुकेंगे, सांस लेंगे, एनर्जी गैदर करेंगे, फिर शुरू करेंगे। लेकिन करेंगे कौन क्या, वही प्लान उसी को कंटिन्यू करेंगे। गलती कहां हो जाती है, लोग लक्ष्य बनाते हैं, एक साल काम किया उसका सोचते नहीं आ रहा था, बहुत बड़ा लक्ष्य हो गया, तो थोड़ा छोटा करो। 50 लाख की गाड़ी सोचे थे, जैसे किसी ने बोला था 2 करोड़ की गाड़ी, एक साल काम करेंगे तो थोड़ा चेक कम आने लगा, 2 करोड़ की गाड़ी घर के हो जाएगी, नहीं 1 करोड़ के लिए। फिर एक साल और काम किया, देखा थोड़ा चेक ऊपर नीचे आ रहा है, अरे 1 करोड़ नहीं 50 लाख पे एडजस्ट कर जाते। फाइनली होते होते वही हाथ गाड़ी पे आके एडजस्ट हो गए, क्योंकि प्लान में स्टेबिलिटी नहीं है, पर्सनेस नहीं है। उल्टा होना ये चाहिए था कि अगर मैं अपने लक्ष्य से दूर हो गया तो मुझे अपनी गति काम करने की क्या करनी चाहिए, बढ़ानी चाहिए। अगर मैंने देखा कि पहले साल काम करने से मैं वहां नहीं पहुंच पाऊंगा तो दूसरे साल मुझे डबल गति से काम करना चाहिए, ऐसे है ना। इसी चीज को पर्सिवरेंस कहते हैं। ये पर्सिवरेंस होता है कंटिन्यूड एफर्ट टू डू और अचीव समथिंग डिस्पाइट डिफिकल्टीज फेलियर और अपोजिशन। हमारे रास्ते में ही आता है ना, डिफिकल्टी आती है, बारिश मौसम पता नहीं क्या क्या होता रहता है, फेलियर्स होते हैं, 10 लोगों को समझाते एक भी ज्वाइन नहीं किया, 11वें को जाते डीमोटिवेट हो जाते, फिर भी हमें करना है। और अपोजिशन, मम्मी पापा बहन भाई पति पत्नी पता नहीं कितने लोग हैं जो रोकने वाला है, ऐसे नो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बच्चे घर में पापा मम्मी पसंद ही नहीं करते, पता क्या होगा शायद कॉलेज के लिए जा रहे हैं, एक्सकर्शन जा रहे हैं या कुछ जा रहे हैं, ऐसा भी पता क्या है, सब लोग बोल के हेल्दी लिविंग के लिए जा रहे हो, कुछ लोग हैं जो झूठ भी बोल के आए हो घर में, नहीं सबने कहा हेल्दी लिविंग कर रहे हो, वेरी गुड। तो कहने का मतलब क्या है, घर में भी अपोजिशन मिलते हैं, नहीं करना है ये सब में बेकार होगा, पढ़ाई लिखाई करो, डिग्री हासिल करो, और नेपाल में तो बहुत कॉमन है विदेश जाओ, समझ में नहीं आता है विदेश में क्या मिलता है। अगर विदेश में जाके ही आपको छोटा मोटा काम करना है तो छोटा मोटा काम विदेश में कर लो, ये कोई नहीं करेंगे विदेश जाना। तो ये चीजें जो है ना हमें पर्सिवरेंस को मजबूत बनाए रखने में मदद करेगा। कंसिस्टेंसी, ये वर्ड सबको पता है, 12 तारीख तक ऑफर खूब उठाते हैं, कितने लोग जो हर महीने कंसिस्टेंसी उठाते हैं, कम से कम दो कंसिस्टेंसी, कोई नहीं, एक दो तीन चार पांच, दो कंसिस्टेंसी मतलब 100 PV एंड 100 PV 200 PV, हर महीने 200 PV करते हैं, पर्सनल बोल रहा हूँ, तीन से नहीं। अच्छा 100 PV करने वाले कितने लोग जो पर्सनली अपने 100 PV कंसिस्टेंसी हर महीने करते हैं, मुझे कृष्णा ने बताया था यहाँ सिर्फ ब्रॉन्ज है, मुझे दिख नहीं रहे बाकी लोग, क्या बात है, बाकी लोग 100 पीवी भी नहीं करते, कंसिस्टेंसी नहीं करते, 12 तारीख से पहले 100 पीवी, टीम को क्या सिखा पाओगे यार, कंसिस्टेंसी। मैं आपको बताऊं, कंसिस्टेंसी वो चुंबक है जो सक्सेस को खींचता है, कंसिस्टेंसी वो चुंबक है जो सक्सेस को आपकी तरफ खींचता है। मैंने क्या कहा, परसिवरेंस, यानी कि 50 बार हथौड़े मारने हैं लेकिन एक हथौड़ा आज मारा, एक हथौड़ा 2 साल बाद हमारा काम आएगा, मुझे आज ही 50 के 50 मारने हैं या लगातार मारने हैं, ये से नो। तो कंसिस्टेंसी एक दिशा में लगातार काम करने को ही कंसिस्टेंसी कहते हैं, और सफलता का चुंबक होता है वो। अगर हम कंसिस्टेंसी को सही से नहीं कर पाएंगे तो हमें सफलता मिलने की गारंटी नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंटली समझना है। लोग ये गलती करते हैं क्या कि कंसिस्टेंसी को समझते ही नहीं है, कंसिस्टेंसी कुछ नहीं है, बीइंग द सेम वही रहना है, क्वालिटी ऑफ ऑलवेज बिहेविंग और परफॉर्मिंग इन अ सिमिलर वे, एक ही तरीके से काम करना है, हर महीने 100 PV मतलब 100 PV, 200 PV मतलब 200 PV। मुझे एक बात बताओ, हेल्दी लिविंग को या वेस्टीज को पैसे ज्यादा है कि फ्री में प्रोडक्ट देंगे आपको, उन्होंने कंसिस्टेंसी क्यों दिया, ऑफर है चेक है उसके ऊपर से कंसिस्टेंसी क्यों दिया, एक ही मकसद है हमारा क्या, कि आपकी आमदनी लगातार बिजनेस होने से ज्यादा हो। लेकिन अगर आप लगातार बिजनेस नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली आमदनी कम होगी, ये से नो। मैं आपको बताऊं, मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे, उदाहरण देखे हैं, खासतौर पे इंडिया में भी मैंने ऐसे देखे हैं बहुत लोग, वो क्या करते हैं महीने के आखिर के कुछ दिन तो वेट करते हैं और देखते हैं मेरा लेवल हुआ कि नहीं, अच्छा 2500 PV ओके 2600 PV मतलब TV भी मिल जाएगा, चलो ठीक है हिसाब लगाता TV भी मिलेगा तो 3000, अच्छा ठीक है जाते हैं हम 40 PV का खरीदारी कर लेते हैं, 100 PV का खरीदेंगे तो चेक आना चाहिए, आपके टीम में पैसा कोई नहीं है ना, कोई नहीं है ना, बिल्कुल नहीं करना है। एक बात याद रखना, इंसानों की प्रकृति होती है मंकी सीज मंकी डूज, जो देखता है वो करता है, यानी अगर अपलाइन ने प्रोडक्ट नहीं खरीदा अभी तक तो डाउनलाइन खरीदेगा क्या,
अगर इसमें गलती से उसने खरीद भी लिया, आखिर में देखेगा ऑनलाइन तो सौ पीवी करते हैं, वो भी वेट करके लास्ट देते हैं। अच्छा तीन होने दे, देखते कितना क्वालिफाई होता है, उसके बाद हम करेंगे। दोस्तों ये करने से होता क्या है, एक बिजनेस में सिस्टम खराब हो जाता है लोगों का, और जब सिस्टम खराब हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपकी आमदनी होनी बंद हो जाएगी। बेनिफिट कंसिस्टेंसी क्या है, सबसे पहली बात कंसिस्टेंट रहने से ये आपका वैल्यू बताता है। आप मीटिंग में कंसिस्टेंट हो, आप ट्रेनिंग्स में कंसिस्टेंट हो, आप प्रोडक्ट खरीदने में कंसिस्टेंट हो, ये आपकी वैल्यू को डिटरमाइन करता है कि आप कितने वैल्यूएबल हो। दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि हर दो तारीख को अगर आपने अपनी ऑर्डर डाल दी, परचेज डाल दी, क्योंकि अभी तो हर जगह डीएलसीपीज हैं, तो आपने ऑर्डर डाल दी और अपने टीम में एक व्हाट्सएप डाल दिया कि देखो मैंने अपनी कंसिस्टेंसी कर दी, तो आपकी टीम में मौजूद जो 200 लोग हैं, 200 लोग में से कम 10 लोग जरूर ये सोचेंगे कि 3 तारीख को मैं जरूर डाल दूंगा। और सोच के देखो अगर 3 तारीख को 10 लोगों ने कंसिस्टेंसी डाल दी एक ब्रॉन्ज डाइटर की टीम से, 10 लोगों ने भी, तो कितने पीवी हो गए, आधी जंग जीत गया ब्रॉन्ज डाइटर। सोचो यानी पहले ही दिन वो अपना 50% लेवल क्वालिफाई हो गया, यस या नो? लेकिन हमने ही नहीं डाला तो क्या होगा, हमने ही नहीं डाला तो अपना डाउनलाइन भी वेट करेगा कि मैडम कब डालेगी, सर कब डालेंगे, तब हम करेंगे, और जब वो करेगा वेट तो उसका डाउनलाइन और ज्यादा वेट करेगा। तो एक आदत बना लेंगे, आज से हम कसम खा लेंगे कि 2 तारीख की बिलिंग जो नियरेस्ट डीएलसीपी है पहली बिलिंग मेरी होनी चाहिए। इस तरह का जाओ कि 2 तारीख को, क्योंकि 1 तारीख को मुझे पता है कोई मीटिंग नहीं करता, सबको पता, मुझे सब पता है 1 तारीख को कोई मीटिंग नहीं करता, तो 2 तारीख को सुबह सुबह एकदम उठते से मुंह हाथ धोके पहला काम यही करना है, जिस डीएलसीपी जो आपकी नजदीकी है उस डीएलसीपी गेट पे खड़ा हो जाएगा कि सर जब आप गेट खोलोगे पहला मैं होगा और पहली बिलिंग आपकी मेरी होनी चाहिए। कर सकते हैं? Yes, yes. मैं आपको गारंटी देता हूं अगर आप ये कर दो पहले हफ्ते में ही आपका 50% टारगेट फुल हो जाएगा। कंसिस्टेंसी डे 12 तारीख से पहले आपका टारगेट, मतलब आपका जो अचीवमेंट है लेवल का वो भी कम्प्लीट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप फोटो भेजते हो तो लोगों के अंदर आग होती है। कंसिस्टेंसी की जो क्लैरिटी एक्सप्लेन्स योर ओरिजिन, कंसिस्टेंसी आपको क्लैरिटी देता है करना क्या है, और आपको आपका होराइजन दिखाता है कि कहाँ तक आप जा सकते हो। मुझे एक बात बताओ, अगर आपको 12 तारीख तक आपका मतलब कोई सिल्वर डायरेक्टर उसके डाउनलाइन में ब्रॉन्ज ने क्वालिफाई कर लिया 2000 या 3000 पीवी से, तो क्या वो सिल्वर डायरेक्टर अगले 10 दिनों के अंदर वहाँ से एलो भी नहीं सोच सकता? यस या नो? सोच सकता है ना कि 3000 12 तक हो गया तो अगले 12 दिन में मैं 3000 और करके एलो भी ले लूँ, कर सकता है ना? लेकिन अगर वो कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी टीम में तो क्या वो कर पाएगा? तो इसीलिए क्लैरिटी देता है और आपके ओरिजिन्स को, आपके टारगेट्स को बढ़ाता है। कंसिस्टेंसी इंक्रीज करता है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, मेरा लेवल कंप्लीट, अब मुझे एलओवी के लिए खेलना है, यस या नो? तो कंसिस्टेंसी आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, मोमेंटम बढ़ाता है, आपकी स्पीड बढ़ाता है, साथ ही साथ कंसिस्टेंसी ब्रिंग्स करता है रिलेशनशिप को जो आपकी वैल्यू ऐड करेगा। सोच हमेशा याद रखना, कौवे के साथ कौवा उड़ता है और चील के साथ चिली, ये नो? जब आप लगातार कंसिस्टेंसी करोगे ना, मैं आपको बताऊं इस भीड़ के अंदर कुछ लोगों को मेरी बात समझ में आ रहेगी, मीटिंग खत्म करेंगे ना तो वो लोग आपस में डिस्कस करेंगे, हाँ संजीत सर ने ये बात कही थी, अच्छा है, अच्छा अच्छा। अब कुछ ऐसे भी लोग होंगे ना जिनको मेरी बात समझ में नहीं आ रही, वो मीटिंग के बाद ना 4 लोग वो भी बोलेंगे, यार ये सब तुम जानते ही थे, कहाँ ना बताएगा क्या है, ये सब तो नॉर्मल लोग हमेशा अपलाइन बोलता रहता है, ये भी लोग होंगे। यानी जो फेलियर्स होते हैं वो फेलियर पे अटैक करते हैं, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो किस पे अटैक करते हैं? तो आप कंसिस्टेंट होंगे ना तो आपके आसपास जितने लोग आएंगे वो सब भी कंसिस्टेंट होंगे, और जब वो लोग कंसिस्टेंट होंगे आपकी और उनकी रिलेशनशिप स्ट्रांग होगी या वीक होगी? स्ट्रांग होगी ना। इंपॉर्टेंट ये समझना कि जब कंसिस्टेंसी आप करते हैं आपके रिश्ते मजबूत होते हैं और आपकी रिश्तों में वैल्यू ऐड होती है। कंसिस्टेंसी मदद करता है आपको मोटिवेटेड रहने में और इम्पैक्ट क्रिएट करने में। जब आप लगातार कोई काम करते रहते हो तो आपको फिर सोचने की जरूरत नहीं क्या करना है, आप हमेशा मोटिवेटेड रहोगे अपने आप से, और जब भी कुछ बोलोगे उस पे इंपैक्ट होगा। अगर आप खुद कंसिस्टेंसी नहीं करोगे, अपने टीम को बोलो कंसिस्टेंसी करो, असर आएगा? नहीं आएगा ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता, इसी पे मुझे स्वामी विवेकानंद जी की एक बात याद आ गई, सुनना चाहोगे? सुना चाहोगे? नाम सुना है ना स्वामी विवेकानंद का? क्या बात है, हिंदू धर्म के लिए बहुत उन्होंने किया, दुनिया तक हिंदू धर्म को लेके गए एक प्लेटफॉर्म के ऊपर। स्वामी विवेकानंद की एक खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा, वो जहां भी जाते थे गांव वगैरह में तो दूर दूर से लोग आते थे उनके आश्रम में उनसे मिलने के लिए, कि एक बार मिलने तो मजा आ जाए।
तो एक बार क्या हुआ, एक गांव में उन्होंने 3-4 महीने का बसेरा किया, मतलब अपना आश्रम बनाया, एस्टैब्लिश किया कि यहाँ पे हिंदू धर्म का प्रचार करेंगे। तो स्वामी विवेकानंद एक गांव में बैठे थे, वहाँ पे एक बूढ़ी औरत आई अपने बच्चे के साथ, ठीक है। और जब तक वो पहुंची वहां तक, ठीक है, तो काफी लंबी लाइन थी, तो वो बहुत देर तक बैठी रही लाइन में, करते 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 किसी तरह स्वामी जी के सामने पहुंची। तो उन्होंने विवेकानंद जी को बोला कि स्वामी जी प्रणाम। बोला जी बा कहिए क्या बात है। तो ये मेरा बेटा ये चीनी बहुत खाता है। क्या करता है? चीनी बहुत खाता है, और मुझे डर है कि कहीं इसको बीमारी न लग जाए, तो इसको आप एक बार अगर बोल दें कि बेटा चीनी नहीं खाना है तो ये नहीं खाएगा, ये चीनी नहीं खाएगा। स्वामी विवेकानंद जी ने उनको एक बात कही कि मैया मैं अभी ये बोल नहीं पाऊंगा, आप ना 15 दिन के बाद आना, ठीक है। कितने दिन के बाद? 15 दिन के बाद। अब ये मैया सोची यार क्या है, एक लाइन बोलने बोली इतना भाव खा रहा है, कैसा स्वामी जी है। बोल देता बेटा के कान में कि बेटा चीनी नहीं खाना, छोड़ देता। तो स्वामी विवेकानंद जी ने, स्वामी विवेकानंद कुछ तो बोल सकती नहीं है, तो बेचारी वो चली गई वापस। 15 दिन बाद फिर आई और लंबी लाइन, और टाइम लगा, किसी तरह हाथ खा के पहुंची वहां तक। बोली थी बाबा मैं वही हूँ, मैंने कहा था ना कि मेरा बेटा चीनी बहुत खाता, आप प्लीज एक बार बोल दो उसके कान में कि बेटा चीनी मत खाना। बाबा बोलते क्या, भैया आप ना 15 दिन के बाद फिर आना, 15 दिन के बाद फिर आना। मैया का तो गुस्सा सर से लेके पाया था, यार कैसे बाबा जी, नहीं है ऐसा वैसा, कि फिर बाबा जी बोले कुछ बोल भी नहीं सकती भला बोला, क्योंकि बाबा है। तो फिर वापस आए मैया जी, 15 दिन बाद फिर घूम के आए, वैसे ही भीड़ में बैठी 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 पहुंची वहां तक। स्वामी जी बुलाए बेटा को, बेटा इधर आओ, गोद में बैठा है। बोले बेटा चीनी खाना अच्छी बात नहीं है, चीनी खाने से आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आगे से आप चीनी मत खाओ। अब मैया का गुस्सा और बढ़ गया, पता है क्यों बढ़ गया? बोला यही 2 लाइन बोलनी थी तो पहली बार में क्यों नहीं बोला, 3 दिन क्यों दोहराया। तो स्वामी जी ने एक ही बात कही, क्या बात कही, कि मैया आप जब पहली बार आई थी तब तक मुझे भी चीनी बहुत पसंद था और मैं भी चीनी बहुत खाता था। जब मैंने आपको 15 दिन बाद बुलाया तो मैंने इसलिए बुलाया कि शायद मैं 15 दिन में चीनी खाना छोड़ दूं, लेकिन मेरे से नहीं छूटा, इसलिए मैंने 15 दिन का और समय आपसे मांगा, और आज मैं चीनी खाना पूरी तरह छोड़ चुका हूं, और इसी वजह से मैं आपके बच्चे को बोल रहा हूं कि चीनी मत खाना, क्योंकि जब तक मैं अपने ऊपर नहीं आजमाऊंगा तो मैं कैसे आपके बच्चे को सिखा पाऊंगा। दोस्तों मैंने ये चीज भी कहा, क्योंकि जब आप कंसिस्टेंसी करते हो, आपकी कंसिस्टेंसी का इम्पैक्ट आपकी टीम पे आता है। अब खुद नहीं करोगे, खुद प्रोडक्ट नहीं खाओगे, अगर आप मेरा बैग उठा दो आज मेरे बैग में 3 प्रोडक्ट आपको कम से कम दिख जाएंगे, खाते हुए सील खुले हुए, एक फ्लैक्सी साथ सील नहीं खुला है, नया डब्बा लाया है, लेकिन ग्लूकोसामाइन है आपको मिल जाएगा, उसमें आपको वाइटल कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा, खुले हुए है। अगर मैं नहीं खाऊंगा तो मैं आपको बता पाऊंगा, और जब मैं आपको नहीं बता पाऊंगा तो क्या मेरे इम्पैक्ट ही नहीं आएगी मीटिंग। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कंसिस्टेंट। जो अगली चीज आपको बहुत ध्यान में रखनी है, सिस्टम को फॉलो करना, ठीक है, सिस्टम को फॉलो करना। सिस्टम क्या है तो समझाने के लिए बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगा। एबीसीडी सबको आता है? सबको? कोई भी खड़ा होकर ए टू जेड बता देगा मुझे? कौन कौन बता सकते ए टू जेड खड़े होकर? क्या बात है, काफी लोग। कौन कौन मुझे जेड टू ए बता पाएगा उसी स्पीड में? लिखना क्यों, कोई नहीं, क्यों उल्टा है तो क्या हो गया, है तो वही, कभी नहीं किया होगा है ना, बिल्कुल। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि बोल भी सकते हैं, मैं आपको बताऊं ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बोल देंगे जेड है फिर एक्स वाई जेड वाई एक्स डब्ल्यू, कोई ऐसे भी जो बी यू टी ऐसे करके स्पीड में बोल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस किया होगा, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं किया आप नहीं बोल सकते। अच्छा चलो ठीक है, जिसने प्रैक्टिस किया होगा क्या वो अपनी टीम में जेड टू ए सिखा सकता है तुरंत? नहीं, जल्दी सिखा सकता है? नहीं सिखा सकता, मुश्किल होगी। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम के बाहर की चीज है। डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क की अगर मैं बात करूं तो सिस्टम अगर आप यूज करते हैं, सिस्टम जो होता है चीजों को डुप्लीकेट करना आसान बना देता है, चीजों को डुप्लीकेट करना। मैं इसलिए ये चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ, गौर कीजिएगा, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहुत अच्छा प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, तो आप अपने आईडी पे 200 300 400 500 पीवी का प्रोडक्ट खरीदते हैं और लोगों को भेज देते हैं, आप ज्वाइनिंग भी ले लेते हो 300 400 पीवी वाला, लेकिन ये मुश्किल काम है आसान काम है? आपके लिए तो आसान है, लेकिन आपके टीम में जितने लोग हैं क्या उनके लिए आसान होगा? नहीं। उनके लिए आसान क्या है? घर के यूज के लायक प्रोडक्ट खरीदेंगे 60 to 100 पीवी के प्रोडक्ट,
यस या नो? तो सिस्टम जब आप यूज करोगे तो सिस्टम जो होगा आसान हो जाएगा डुप्लीकेट करना, क्योंकि वही चीज आप रिपीट कर रहे हो ना। अब ए बी सी डी हम बच्चों को सिखाते हैं, सिखाते नहीं सिखाते हैं? वो सीख जाते हैं, लेकिन जेड से लेके ए सी का सीख पाएंगे? नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि उनको हर जगह ए बी सी डी दिखाएगा, हर जगह सिखाया जाएगा, तो वो इजी हो जाएगा। ये आपके सफलता के रास्ते को छोटा कर देती है सिस्टम, बड़ा नहीं करती, क्या करती है वो, छोटा कर देती है सिस्टम में। अगर मैं बात करूँ वेस्टीज की बात करूँ या हेल्थी लिविंग की बात करूँ, तो 7 स्टेप्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं। कितने स्टेप्स? 7। सबसे पहला स्टेप क्या है? यूज द प्रोडक्ट। आज आपके पास हेल्दी लिविंग में जितने चीजें हैं, जितनी भी चीजें हैं, मैं नहीं कह रहा जो इंडिया में जो अफ्रीका में, वो उसकी मतलब नहीं है, हेल्दी लिविंग में जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, उनमें से एक भी प्रोडक्ट अगर आपके घर में यूज होता है तो वो हेल्दी लिविंग का ही होना चाहिए। यानी टूथपेस्ट है तो हेल्दी लिविंग का, टूथब्रश है तो हेल्दी लिविंग का, बाकी चीज तो हेल्दी लिविंग। मैं नहीं कह रहा जो नहीं वो भी करो, नहीं पॉसिबल नहीं है, आप इंडिया से लगा के करोगे नहीं पॉसिबल है, लेकिन जो एटलीस्ट अवेलेबल है वो कौन सा होना चाहिए? हेल्दी लिविंग। उसके बाद दूसरा काम क्या है? शेयर द प्रोडक्ट्स। पहले इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद लोगों को शेयर करेंगे। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है शेयर करना। आप में से कितने लोग जो सप्लीमेंट्स खाते हो? हाँ तो खाओ, क्या बात है, सब लोग कुछ ना कुछ खाते हैं, क्या बात है। तो आप में से कितने लोग नोनी खाते हैं? क्या बात है, वेरी गुड। अच्छा मुझे एक बात बताओ, नेपाल में जब कोई पूछता है, मतलब सुबह सुबह मिलता है आपस में, तो क्या 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 बोलते हैं? सबसे पहले ग्रीट कैसे करते हैं? नमस्ते। दूसरा सवाल क्या पूछते हैं नेपाली में बताओ? एक आदमी बोलो यार, सब लोग बोलोगे तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। संचे हुनुंचो। अच्छा इसका मतलब क्या होता है? अच्छे हो या कैसे हो? कैसे हो। अच्छा जवाब क्या देते हो? संचे छू, ठीक छू, ये बोलते हो ना? क्या बात है, ये कैसे थे? नोनी खा के ठीक छू। हाँ या ना? बोल सकते हैं? या जो आप खाते हो, जो कोई स्पिनर खाता है वो कहेगा स्पिनर खा के ठीक छू, फ्लैक्स खाता है फ्लैक्स खा के ठीक छू, बोल सकते हैं? ये बोलोगे तो क्या होगा, आपका दोस्त क्या करेगा आपके साथ? नोनी ये क्या है? यस या नो? अब आप उसको नोनी समझाओगे, खरीदेगा? नहीं। सही, जैसे बोला ईमानदार से, नहीं खरीदेगा, वेरी गुड। दोबारा मिला आपसे, दोबारा आपने कहा नोनी खा के ठीक, दोबारा मिला नोनी खा के ठीक, पहली बार तो कंफ्यूज, दूसरी बार फिर से पूछे भाई क्या है नोनी, चौथी बार तीसरी बार कहते नोनी से दिमाग में बैठ जाएगा यस या नो। कल के डेट में कभी उसको इस तरह की प्रॉब्लम होगी जिससे नोनी सॉल्यूशन कर सकता है, तो सबसे पहले किसके पास आएगा? हमारे पास। सोच के देखो, कोई ना कोई तो उसको हेल्दी लिविंग समझाने जाएगा कभी ना कभी, यस या नो? यस। उसके समझ में आ गया हेल्दी लिविंग, वो आपको पूछे हेल्थ की प्रोडक्ट? नो। नोनी, अरे मेरा दोस्त बता रहा था नोनी के, तो मैं उसको फोन करता हूँ, यस या नो? यस। यानी आपका दोस्त आपके पास रहेगा, यस या नो? यस या नो? तो आज से हम एक प्रैक्टिस करेंगे, क्या प्रोडक्ट तो खाते ही हैं, आप जिससे भी ग्रीटिंग करेंगे तो क्या बात करेंगे? दो यार, मैडम नोनी खाती तो नोनी खा के बोल रही है, कभी फ्लैक्स खा के बोलेगी, एक को नोनी चिप्स ना तो एक को फ्लैक्स ना दो। कहने का मतलब क्या, इतनी बार उसके दिमाग में नोनी और फ्लैक्स, नोनी फ्लैक्स, मेरा नोनी फ्लैक्स में डालेंगे तो उसको प्रोडक्ट याद हो जाना चाहिए। कर सकते हैं? ग्रेट। तीसरी काम, तीसरा काम क्या करना है? मेक लिस्ट, लिस्ट बनानी। डायरेक्ट सेलिंग के इंडस्ट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक काम होता है वो लिस्ट बनाना होता है। देखो क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं तो लोग प्रोडक्ट खाते हैं, शेयर करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी कंपनियां पहले थी जो प्रोडक्ट नहीं होता था, सिर्फ आइडियाज होते थे, कंसेप्ट होते थे, तो उनका बेसिक काम क्या होता था? लिस्ट। आप कितने लोगों को जानते हो दोस्तों? मैं आपको तो जैसे लिस्ट बनाने की बात करते हैं ना, लोग बोलते हैं हमारे पास 200 लोग हैं, 300 लोग हैं, आप सबके मोबाइल फोन में कम से कम 200 नाम तो होंगे ही होंगे, यस या नो? यस। क्या बात है, हाँ 2900 नाम है, क्या बात है, सब बास। दोस्तों मैं आपको एक चैलेंज देना चाहता हूँ, खुला चैलेंज, मेरा फ्लैक्स का डब्बा अभी तक खुला नहीं है, जो इस चैलेंज को फुलफिल करेगा वो फ्लैक्स मैं आपके तरफ से गिफ्ट में दूंगा। यस। दो, चलो आपके मोबाइल फोन पे जितने भी नाम है मुझे उससे मतलब नहीं है, कोई भी 10 नाम अल्फाबेटिकली सीरियल ऑर्डर में बताने, सीरियल ऑर्डर में,
कोई भी दर्शन कौन बता सकता है? सीरियल ऑर्डर में 10 नाम चाहिए मुझे कम से कम, एक साथ। आप कहीं से उठाओ, बिना देखे यार, देख के तो सबको भी बता देगा यार। बताओ, कह रहे 2900 नाम है, बताओ भाई कितने बताओ। मैं बस यही बोल रहा हूँ, जैसे मान लो कि मैंने सूजन का नाम लिया, तो सूजन के बाद अगला नाम कौन सा आएगा, उसके बाद अगला नाम कौन सा आएगा, इस तरह से 10 नाम लगातार बोलो एकदम। उसके बाद 10 नाम लगातार चाहिए जो आपके मोबाइल पे दिखेंगे, ज्यादा नहीं चाहिए 10। क्या कोई बता पाएगा? बताओ यार, फ्लैक्स रेडी है, सीलिंग खुला मेरे पास नहीं, क्यों? देखो कुछ लोग अपना मोबाइल देखना शुरू कर दिया, सर क्या पूछ रहे, समझ में नहीं आया। सिंपल है, मान लो मेरा नाम सेव है संजीत के नाम से, तो संजीत के नाम के बाद श्याम होगा ना, तो श्याम के बाद और कोई होगा ना, वो सीरियल ऑर्डर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। 10 कहीं से उठा के बताओ, ए से नहीं बोलो, ए बी सी डी नहीं। देख रहे हो हमारा दिमाग कितना कमजोर है, मैं इसलिए चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हम में से कुछ लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, किसी से मिला मिलते सिर्फ नाम पूछा, पूछ के मोबाइल में नंबर सेव करते हैं। गलत काम नहीं करना है, अपने साथ हमेशा एक कॉन्टैक्ट डायरी कैरी करना है, और उस डायरी में नाम लिखना है, फोन नंबर सेव करना है। अलग बात है मोबाइल से फोन करके मिस कॉल मार के चेक कर लो ठीक है, लेकिन तुरंत उसको डायरी में नोट डाउन करो, क्योंकि इस मोबाइल फोन का कोई भरोसा नहीं है, कब चोरी हो जाए, कब खो जाए, क्या हो जाए। जैसे नो कई बार होता है ना, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक अपडेट लेता है, और जब ऑटोमेटिक अपडेट लेता है तो पूरा फोन ही नया हो जाता है, तब क्या करोगे, क्या करोगे, खोजोगे वापस जाके पोखरा में कौन मिला था या कौन चाय वाला मिला था जिससे बात हुई थी मेरी, कर पाओगे? सोचो तो क्या करना है। कॉन्टैक्ट डायरी हमेशा अपने पास कैरी करो, और उस डायरी के अंदर हर रोज कम से कम 3 नए नाम तो जरूर आने चाहिए, मिनिमम बता रहा हूं मैं। और ये 3 नाम मतलब क्या है, वो अननोन लोगों के, आपको लिस्ट में किसके नाम लिखने हैं, कोई भी जिंदा आदमी जो आपके 3 फीट के दायरे में आ जाता है, जिंदा। हाँ ऑब्वियसली बात है, जिंदा, जिंदा वो लोग नहीं जो सांस लेते हैं, लिटरली मैं बता रहा हूँ, जिंदा वो लोग नहीं होते जो सांस लेते हैं। अभी रोड पे चले जाओ, बहुत सारे जिंदा लोग सांस लेते हुए दिखेंगे, लेकिन वो जिंदा नहीं, मुर्दा है, क्योंकि उनको सपने नहीं, उनको आगे सोचने का बात नहीं है। वो उनको कहा कि साइकिल वाले को समझाओ तुम गाड़ी ले सकते हो, अरे गाड़ी झूठ मत बोलो आगे बढ़ो, वो मुर्दा है मेरे लिए। जिंदा वो है जो सोचते हैं, समझते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो कोई भी 3 जिंदा लोगों के नाम लिखने हैं जिनके साथ आपको बात करके लगा नहीं ये बंदा आगे जा सकता। हर रोज हम कब कितनी बार खाते हैं दिन में, कितनी बार, कितनी बार नाश्ता, दोपहर का लंच और रात का डिनर तो जरूर करते हैं ना, तो बस। हाँ मैडम 5 बार खाते हो, खाजा 2 बार और। तो आप जितनी बार खाते हो उतना नाम लिखो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। हम तो चाहे ना 10 बार दिन में खाओ ताकि 10 नाम आए, लेकिन हमें क्या चाहिए, कम से कम उतने नाम चाहिए जितनी बार खाते। अगर एक नाम नहीं आया तो उस अगला टाइम का खाना नहीं खाएंगे, अगर एक नाम नहीं आया तो अगले टाइम का खाना नहीं खाएंगे। इस तरह की आपकी जिद होनी चाहिए लिस्ट बनाते हुए, और लिस्ट में सिर्फ उसी का नंबर नहीं लिखेंगे, कोशिश ये करेंगे कि एक दो अल्टरनेट नंबर भी मिल जाए। नहीं तो क्या होता है, मुझे पता नहीं नेपाल के अंदर ऐसा होता है कि नहीं, इंडिया में नंबर आसानी से बदल जाता है, आज एक नंबर, एक महीने बाद दूसरा नंबर, क्योंकि वहाँ फ्री सिम बहुत बिकता है। आपके नेपाल में भी ऐसा होता है कि लोग नंबर बदलते हैं? क्या बात, तब तो ठीक है, तब एक ही नंबर से काम चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला काम करना है इनविटेशन, इनवाइट, निमंत्रण देना है। मुझे एक बात बताओ, आपके घर में अभी देखा मैं शादियों का सीजन चालू हो गया नेपाल में ना, मैं आ रहा था ना तो देखा दूल्हा उल्हा लगा हुआ है लाइट पे, दूल्हा बाराती सब तैयार हो गए एकदम। अच्छा उसका नाम ले रहे हो, अपना नहीं ले रहे, बात क्या है, तुम्हारी वाली रिजेक्ट कर दिया क्या, रेडी, क्या बात कर रही भाई, अभी करोगे ना, मैं डिवोर्स लॉयर खोल दूंगा, मैं डिवोर्स लॉयर ढूंढ के दूंगा, तुम लोग अभी करोगे तो क्या, जस्ट जोकिंग गाइस। इनविटेशन, आपके घर में कोई भी त्योहार हो, पहला काम आप क्या करते हो, लोगों के निमंत्रण देते हो, यस या नो? यस। अगर निमंत्रण देते वक्त आपने लापरवाही बरती तो कोई आदमी आएगा? नो। तो निमंत्रण देना भी एक कला होती है, निमंत्रण देना एक कला होती है। मैं इसलिए चीज समझाने की कोशिश करूं, गौर करना
कि निमंत्रण देते वक्त एक बात का ध्यान बहुत ज्यादा रखना है कि निमंत्रण में पूरी बातें नहीं बतानी है। सोच के देखो, अगर आप रिसेप्शन पार्टी में जाते हो ना, आप क्या होता है रिसेप्शन पार्टी, दुल्हन पहली बार आती है शादी में, होता है क्या बात है, और आपको पहले से ही पता चल जाए कि दुल्हन को पड़ोस वाली लड़की, ये मजा आएगा जाने का? लेकिन अगर नहीं पता रहे, सरप्राइज है कि दुल्हन कैसी है, मजा आएगा? हम कौन है, क्या है, किस फैमिली से? देखो लड़के लोग ज्यादा यस बोल रहे हैं, दुल्हन देखने बड़ा शौक है, गले पड़ेगा तो समझ में आएगा। तो अपनी वाली आती है ना, तब शौक निकल जाता सबका, दूसरे वाली अच्छी लगती है। तो दोस्तों मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इनवाइट करते वक्त क्यूरियोसिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनवाइट जब आप करोगे, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि भाई ऐसा कौन सा ट्रेनिंग है जिसमें आप बुला रहे हो। ये नहीं बता देना सब कुछ, क्या आ जाओ यार, हेल्थ लीडिंग है, नेटवर्किंग है, ऐसा है वैसा है, क्या प्रोडक्ट है, तो सारी ट्रेनिंग तुम ही कर लिए, लीडर क्या था ट्रेनिंग करेगा। तो आपको इनवाइट करते वक्त क्यूरियोसिटी को मेंटेन करना है। दूसरा, आपको कंट्रोल को मेंटेन कर, कंट्रोल रखना अपने आप पर, कंट्रोल यानी जब आप लोगों को बता रहे हो तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करो। उसको ये लगने नहीं देना है आपको कि भाई तुम नहीं आओगे तो मेरे टीम में लोग नहीं जुड़ेंगे। गलती क्या हो जाती है, हम लगता है जैसे पैर हाथ जोड़ के, प्लीज यार आ जाना यार, आ जाना यार, कई बार होता है कुछ लोग करते ना ऐसा, नहीं करते करते हाथ पैर नहीं जोड़ना, कंट्रोल, भाई तुम नहीं आओगे 10 लोग और हैं। इस टाइप की फीलिंग होनी चाहिए, तुमको 10 लोग का कैंसिल करके तुमको बुला रहे हैं, इस तरह का कंट्रोल रखना। और तीसरी चीज में ध्यान रखनी है कमिटमेंट की, कि मीटिंग से एक दिन पहले उसका कमिटमेंट कश्योर करो, आएगा कि नहीं आएगा, कमिटमेंट श्योर करो कि भाई आना है कि नहीं बता दो, क्योंकि सिर्फ 100 सीट है और मैंने 2 सीट रिजर्व की है तुम्हारे लिए, तुम आओगे तो ठीक है, नहीं आओगे तो 10 लोग और लाइन में है उनको दे दूंगा मैं सीट, उनको टिकट दे दूंगा, टिकट नहीं है फ्री है बिल्कुल, उनको टिकट दे दूंगा। इस तरीके की कमिटमेंट लो, क्योंकि अगर कमिटमेंट नहीं लोगे ना तो क्या होता है, शॉर्टफॉल हो जाता है, लोग नहीं आते, लोग एहसास नहीं होता कितना इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्या, इन्वाइट करना। पांचवा है होम मीटिंग्स या मीटिंग्स, दोनों ठीक है, कि यानी कि आपको घर घर जाके मीटिंग्स करनी है और बड़ी मीटिंग्स में भी लोगों को बुलाना है। दोस्तों मैं एक बात बताना चाहूंगा, जितनी भी बड़ी मीटिंग यानी कि आज की जैसे हम मीटिंग कर रहे हैं, ये नॉलेज लाती है, बिजनेस नहीं लाती, ये पीवी नहीं लाएगा, नॉलेज लाएगा। पीवी कौन लाता है, छोटी छोटी होम मीटिंग्स। जितनी ज्यादा आप होम मीटिंग कर पाओगे दिन में, आपकी पीवी उतनी तेजी से बढ़ेगी। क्योंकि सोच लो, आप में से जितने लोग यहाँ पे आए हो, अगर मैं किसी एक का भी ऐप खोल लूं तो मिनिमम 100 लोग तो उसकी टीम में जरूर होंगे, यस या नो? किसी एक का भी ऐप खोल लूं तो, और वो 100 के 100 आप आए आज। लेकिन अगर आप होम मीटिंग करते हो तो क्या 100 के 100 को टच कर सकते हो? बिल्कुल। और हर कोई अगर 30 पीवी भी करता है, सोच के देखो 3000 पीवी तो ऐसे ही आ जाते हैं। तो हमें फोकस ये करना है कि रोजाना होम मीटिंग्स या टीम मीटिंग्स होती रहनी चाहिए, बड़ी मीटिंग्स होती रहनी चाहिए। जितनी ज्यादा हम मीटिंग्स करेंगे, हमारी पीवी का मार्जिन उतना तेजी से बढ़ेगा। बिना होम मीटिंग के पीवी नहीं होगी। मीटिंग में जो है, दो चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट, मीटिंग के पहले और मीटिंग के दौरान। मीटिंग के पहले क्या करना है, अगेन सुबह सुबह एक लाइट रिमाइंडर मैसेज, ठीक है? और आपको मीटिंग हॉल में कम से कम 15 मिनट पहले पहुंचना है। यानी अगर आपको पता चले कि 11 बजे का मीटिंग है तो आप 10:45 में या 10:30 में पहुंच जाओगे। क्यों? कुर्सी टेबल लगी है कि नहीं, लाइट का सुविधा है कि नहीं, पीने का पानी कहाँ है, टॉयलेट कहाँ है, ये सब आपको पता होना चाहिए। सोचो आपका गेस्ट आया और उसने बोला है टॉयलेट, आप लोगों को पूछ के बताता हूँ, गेस्ट क्या सोचेगा, अच्छा खुद मीटिंग में कभी नहीं आते, तभी तो नहीं पता टॉयलेट कहाँ है, यस या नो? और अगर आपने कभी मीटिंग में नहीं अटेंड किया, उस दिन पहले पहुंच के टॉयलेट पता कर लिया कहाँ गेस्ट, अरे वहीं पे है, वो क्या सोचेगा, अच्छा सर लगातार आते लगता है, उसके दिमाग में कॉन्फिडेंस होगा आपके बारे में। तो आधे घंटे पहले एवरीथिंग आपको पता होनी चाहिए कि गेस्ट कौन आने वाले हैं, वो कितने बजे पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे, एवरीथिंग आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए आधे घंटे पहले। आपको यूनिफॉर्म में होना होगा, कोशिश कीजिए। यूनिफॉर्म क्या है, बहुत सिंपल है ना हमारा, हेल्दी का यूनिफॉर्म क्या है,
एक काला कोट, एक सफेद शर्ट, एक ब्लैक पैंट और ब्लैक शू। अगर कोट नहीं भी हो सके तो सफेद शर्ट और ब्लैक पैंट लगभग हर किसी के घर में होता है। दोस्तों मैं एक चीज कहूंगा, बुरा मत मानना, आज भी इस हॉल के अंदर देखो बहुत सारे लोग, सब लोग कल आए थे यूनिफॉर्म में, कल आए थे सब लोग यूनिफॉर्म में, सब लोग हाँ आज नहीं है ना, आज पार्टी करके मंदिर घूम के आए हो, कोई बात नहीं। लेकिन दोस्तों हमेशा याद रखना यूनिफॉर्म, सोचो कल जब आप इस हॉल में बैठे थे और शाम को इस हॉल से निकले थे कैसा फील कर रहे थे, और आज कैसा फील करो सोच लो, फर्क रख लो। तो मीटिंग में आपको यूनिफॉर्म में रहना है। मीटिंग के दौरान क्या करनी है, मीटिंग के दौरान आपको ये इंश्योर करना है कि आपके लोग सोते जागते रहे। चाहे आपने कितनी बार भी वो कहानी सुनी होगी, कितनी बार भी वो जोक सुना होगा, लेकिन आपको ये इंश्योर करना है कि वो जोक आप हंसे, वो कहानी सुनिए जोर से तालियां बजाएं ताकि आपका बगल वाला भी हंसे और तालियां बजाए। भगवान ने आपको कोहनी दी है ना, कोहनी है जानते ना, कोहनी क्या कहते हैं नेपाली में, कुइनो। अच्छा इसका काम क्या है मीटिंग में, इसका काम क्या है बगल वाले को बोला था ना, दिल के लिए काम करता, हार्ट के लिए काम करता, देख 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 हार्ट फ्लैक्स हो रहा है, देख देख इससे इससे अच्छा रामरो नींद आता है, देखो देखो नोनी एकदम, देख देख गाल बोला था कार चलता है कार, ये ब्रेक गियर लगाते रहना, जैसे गाड़ी में गियर लगाते हैं ना, डाउनलाइन को गियर लगाते रहना, उसको सोने का मौका नहीं देना, मोबाइल हाथ में देख देख, ये मीटिंग के दौरान करना। और थर्ड स्टेज होता है इसी में मीटिंग्स में, होम मीटिंग में, मीटिंग के बाद पोस्ट मीटिंग, पोस्ट मीटिंग क्या, ये तो होम मीटिंग में नहीं होगा, बड़ी मीटिंग्स करें तब करना है। अब क्या करना है, अब जैसे मान लो कृष्णा साहब गए कि मीटिंग करने के लिए, आपके चार लोग बैठे हुए हैं, आपने क्या करना है उसको पूछना है, और बताओ क्या अच्छा लगा, प्रोडक्ट की कंपनी या प्रोडक्ट या बिजनेस, वो क्या बोलेगा, कोई एक चूज करेगा, मान लो प्रोडक्ट चूज किया, अब उसको पूछना है प्रोडक्ट में कौन सा, कार्डियो केयर, बोले हाँ हमको पता था तुमको फ्लैक्स ऑल अच्छा लगेगा, चार भेज दूं इसको बताओ। अगर आप ये काम कर लेते हो गारंटी है कि आप आगे बढ़ सकते हैं, और इसमें हेल्दी लिविंग, वेस्टेज मैनेजमेंट ऐसे हो आपकी हमेशा मदद करेगी, मदद के रूप में। अब आप कहोगे शेयरिंग करना थोड़ा मुश्किल है, कैसे करें, चिंता मत करो, अब आपके हर शहर में मीटिंग चालू हो गई है, yes or no? Yes. बड़े शहर में शुरू हो गई है, yes. एक गुड न्यूज और दे दूं, मई के महीने में 6 तारीख से लेके 15 तारीख तक, हाँ 15 तारीख तक सुमन छेत्री, नाम सुना है न्यूट्रिशन, सुमन छेत्री आपके नेपाल में रहेगी, और लगभग 6-7 लोकेशंस पे, बड़े बड़े छोटे छोटे लोकेशंस पे फ्री में 200-300 लोगों की हेल्थ केयर वर्कशॉप कराएगी फ्री में। और एक बात और बता दूं, ये फ्री जो है आखिरी बार है, इसके बाद से जितनी बार करेगी वो 1000 रुपीज पर हेड टिकट होगा, ये पहली बार हो रही है इसलिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो हेल्थ केयर वर्कशॉप का 1000 रुपीज का टिकट कॉस्ट होगा यहाँ पे नेपाल के अंदर, ठीक है। तो पहली बार है तो हम फ्री में करवा रहे हैं। तो जब आपको व्हाट्सएप पे पोस्टर्स मिल जाए, जब आपको डेट्स मिल जाए, वेन्यूज मिल जाए, कोशिश ये करो कि 200 लोगों का चेयर है तो सबका सब मेरे टीम से बनना चाहिए, हो सकता है, बिल्कुल ये लेना है। और मैं आपको बताऊं, सुमन छेत्री जी ना केवल प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे बल्कि प्रोडक्ट्स किनको देना है और कैसे प्रमोट करना है उस बारे में भी वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो तैयारी कर लो उसकी, अगले महीने होना है 5 तारीख से 15 के बीच में, तो कोई भी बड़ा इवेंट इस दौरान कृष्णा हो सकता तो नहीं लगता, नहीं तो आपके सारी टीम एक जगह देंगे, ठीक है। तो 5 से 6 तारीख को बिरता मोड़ में है, ये कंफर्म है, और 14 तारीख को इछड़ी में, ये कंफर्म, बाकी बीच का तो आगे पीछे करके डेट हम देखेंगे कैसे करना, ठीक है। जिसमें नेपालगंज भी आएगा, भुतवल भी आएगा, पोखरा भी आएगा आपका, जो जितने भी बड़े लोग स्पॉट्स हैं इसमें कवर करने की कोशिश करें, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आया, ग्रेट। एक सवाल जो कृष्णा सर ने मुझसे कहा था कि सर एक प्रॉब्लम हो रही है लोगों को कि इनकम कितना कमाना है उसको कैसे सोचा जाए, ठीक है। देखो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि हेल्दी लिविंग ने और वेस्टीज ने आपको बहुत सोच समझ के सिस्टम दिया है, नेटवर्क दिया है, लेकिन प्रॉब्लम की बात क्या है, हम उसका सही से उपयोग नहीं कर पाए। अभी हमने ज्वाइनिंग पे आपको ऑफर दे रखा है, क्या दिया ऑफर, फिर डबल भी मत बोला, पर एक्स्ट्रा क्यों डबल बोलोगे, आपका डाउन है 200 पीवी करके बोलेगा 400 दो। अब उसमें हम गलती क्या करते हैं ये भी बता दूंगा, कंपनी ने आपको फास्ट एड का
कंपनी ने आपको फास्टेस्ट परसेंट का ऑप्शन दे रखा दिया ना, कितने पीवी पे? 282। अगर कोई दो लोग 100 पीवी से ज्वाइन कर लेते हैं तो कितने पीवी हो गया? एक्चुअल कितना हो गया? तो क्या फास्टेस्ट अप्लाई हो रहा है? हो रहा है, क्योंकि रूल क्या है, 282 पीवी एक्चुअल नहीं है, लेकिन उसमें वाउचर नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं इसी चीज कहना चाहूँ, क्योंकि कई बार मेरे पास फोन कॉल आया कि सर मैं 300 रुपए भी एक्चुअल है लेकिन मुझे वाउचर नहीं मिला। मैं पता किया कैसे हुआ, मैं दो ज्वाइनिंग किया था, बोला हाँ सर मैं नीचे दो लोगों को ज्वाइन करा एक के बाद एक, तो दो के दो ज्वाइनिंग किया, 400 पीवी हो गया, तो नीचे वाला 1% हो गया ना, तो अपलाइन को थोड़ी वाउचर मिलेगा, है ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने इस पर पॉइंट आउट किया। तो सॉरी, जो हमने आपको एक्चुअल एक्स्ट्रा पीवी का दिया है ऑप्शन, ये क्यों दिया है मुझे बताओ? लेवल अप करने के लिए। मैं आपको बताना चाहूंगा, डायरेक्ट सेलिंग जो है ना, एक ऐसी बाल्टी है जिसमें नीचे छेद है। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी बाल्टी है जिसके नीचे छेद है, और ऐसा छेद है जो आप टच नहीं कर सकते, उसको भर नहीं सकते, बंद नहीं कर सकते। अब उस बाल्टी को भरा रखना है, क्या करोगे? जितना छेद में से पानी निकल रहा है उससे ज्यादा पानी डालना पड़ेगा, ये सी नो। हमने आपको ये एक्स्ट्रा पीवी का ऑप्शन इसलिए दिया है ताकि आप अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर्स को ला सके और उनको जल्द से जल्द फास्टेट कर सके। ये किसी डायरेक्टर के मेंटेनेंस के लिए या सिल्वर का साइड मेंटेनेंस के लिए नहीं है दोस्तों। ये गलती मत मानो, पालो अपने दिमाग में। जो जो लोग एक्स्ट्रा पीवी से साइड मेंटेनेंस कर रहे हैं या अपना लेवल मेंटेनेंस कर रहे हैं, उन लोगों की चेक आगे नहीं जाएगी। इसीलिए आपने देखा होगा एलओबी के लिए हमने कहा कि भाई एक्चुअल ही लेंगे और कुछ नहीं लेंगे। तो इसीलिए हमारा फोकस ये होना चाहिए चेक कि सिर्फ मेरा 5% बालों को 1% करने के लिए फास्टेट है, बताओ एक्स्ट्रा पीवी। ब्रोंज डेटर एक्चुअल में 2600 करेंगे, सिल्वर डेटर एक्चुअल में 2100 मेंटेन करेंगे। इस बात का टारगेट बनाओ, चाहे डबल से आपका 4000 ही क्यों ना हो जाए, एलओबी एक्चुअली है, उसमें तो कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो दोस्तों मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि समझिए बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, अपनी टीम में सबसे पहले देखना है कितने लोग हैं। यहाँ पे कोई भी ब्रोंज एक्टर है? कितने लोग ब्रोंज एक्टर, हाथ उठाओ। ब्रोंज एक्टर प्लीज रेज योर हैंड, हो तो हाथ उठा दो, क्या बात है, काफी बात, वेरी गुड। अब आप में से कितने लोग मुझे बता सकते हैं कि पिछले महीने आपकी टोटल पीवी कितनी हुई थी, बताओ? 2600 एक्चुअल, वेरी गुड। अभी 2601 पीवी कितने लोगों ने खरीदारी की थी? नंबर्स 5, 10, 15, 20 कुछ तो होगा, 12 लोगों ने खरीदारी की थी और 2601 पीवी, वेरी गुड। उनमें से कितने लोग न्यू ज्वाइनिंग थे और कितने लोग पुराने ज्वाइनिंग थे? 4, बाकी 8 लोग। तो मतलब 12 लोगों ने नहीं किया, आपको 2600 पीवी करा दिया, वेरी गुड। आज कितना तारीख हो गया सर? 23, है ना। आज उन 12 में से कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी खरीदारी कर ली? श्योर, बाकी 6 ने खरीदारी क्यों नहीं की? क्यों नहीं की, बात हुई है उनसे कुछ? हाँ, तो क्यों नहीं? घर बना रहा था, इस बहन ने उसको राइस बैन वाल भी नहीं चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ऐसा है क्या? क्यों पिछले महीने ज्यादा खरीद दिया था उन्होंने? दोस्तों मैं ये चीज एग्जांपल क्यों दिया समझो, मैंने सर का एग्जांपल लिया कि सबके लिए समझने वाली बात बोल रहा हूँ। हमारी सबसे बड़ी एक गलती क्या हो जाती है, कितने लोग एक्टिव हैं या जिंदा हैं हम उनको भूल के कितने लोग परचेज नहीं कर रहे हैं उनके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। ये बहुत बड़ी गलती होती है। आज इस महीने मान लो अभी हम लोग अप्रैल में बैठे हैं, मार्च में मेरी टीम में 40 लोगों ने खरीदारी की, मान लो वो 40 लोग मेरे लिए एसेट है, और जो बाकी के 400 लोग हैं जिन्होंने खरीदारी नहीं की है वो मेरे लायबिलिटी हैं। मई में आने के साथ साथ आपको पहले हफ्ते में ही इन 40 लोगों से फोन पे बात कर लेनी है। पहला काम, सर कॉन्ग्रेचुलेशन, पिछले महीने आपने हमारे हेल्दी लिविंग के प्रोडक्ट्स के यूज किए थे, आपको कैसा लगा? ये फीडबैक कॉल है, ये फीडबैक कॉल है, कैसा लगा, क्या लगा, मैंने पहले ही हफ्ते पूछ लिया। अगर कुछ गड़बड़ी हुई होगी तो हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट हफ्ते ही उसको
क्या कर सकते, काउंटर कर सकते, ये से नो। कुछ लोग बोल सकते हैं यार टूथपेस्ट यूज किया था, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा किया था, वो हो गया। मैं आपको बताऊं, आप लोगों को शायद पता चला होगा, अभी एक बैच हमारा टूथपेस्ट का पूरा गड़बड़ आ गया है, है ना। मैं आप सबको बता दूं, फ्री एक्सचेंज है, किसी भी डीएलसीबी किसी भी ब्रांच में जाइए, वो गड़बड़ वाला बैच अगर हाथ के हाथ में आया है उसको वापस कीजिए, यूज आधा भी है तो चिंता नहीं है, नया लेके जाइए, ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं। कुछ रिक्वेस्ट ज्यादा हो गया वो तुरंत बाहर आ जा रहा है, ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी हर डीएलसीबी को बता दिया ये चीज, ओपनली मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। टीम में कोई भी कह रहा है कि सर बहुत ज्यादा लिक्विड जैसा हो गया टूथपेस्ट, डरने की बात नहीं है सर, थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई है बैच में, आप इमीडिएटली किसी भी नजदीकी डीएलसीबी में जाएंगे, आपको वहां से नया ट्यूब मिल जाएगा, ठीक है। ये पूरी टीम में आप लोगों को मैसेज नहीं करना, फोन पे बताना कोई अगर कंप्लेंट करे, क्योंकि मैसेज करने से उसका यूज दूसरी कंपनी वाली यूज करके देखो घटिया माल बेचते हैं, है ना। तो मैसेज नहीं करना, फोन करके बताना है कि कुछ प्रॉब्लम है सर, इमीडिएटली वापस हो जाएगा, ठीक है। जितना भी बचा है आपको वापस, बैच नंबर हमें देखना चाहिए बस, जो हमने बैच नंबर गड़बड़ हुआ, एक ही बैच करा हुआ है, ठीक है, क्योंकि वो जो माल आया था उसमें कुछ टेम्परेचर गड़बड़ी हो गई थी कंपोजिशन में से लेकर, खैर जो भी। तो कहाँ था मैं, हाँ, तो जिन लोगों ने प्रोडक्ट खरीदा है इमीडिएटली उनको फ़ोन करो, उनसे फीडबैक लो। अब जैसे मान लो किसी एक नाम, सर आपका नाम क्या है, सुभाष, पहली बार आया किसी मीटिंग में हमारे, तो सुभाष आपका नाम यूज़ कर सकते हैं, क्या बात है। अब जैसे मान लो सुभाष को संजीत ने 3-4 प्रोडक्ट दिए खाने के लिए, क्या सुभाष मेरी टीम में है, अब सुभाष को मैं फोन करूंगा और सुभाष ही प्रोडक्ट है कैसा लगा, दो में से कैसा आएगा, या तो कंप्लेन आएगा या बोले बहुत अच्छा था, सर नहीं बहुत अच्छा था। तो सुभाष जी, ये प्रोडक्ट्स आपके कोई दोस्त होंगे, मित्र होंगे, यार होंगे जो ये प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, यही प्रोडक्ट, ज्यादा प्रोडक्ट नहीं, बस यही प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, यूज कर सकते हैं। सुभाष जी क्या बोले, सर देखता हूँ एक ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, हाँ सर है, अगर वो प्रोडक्ट से सही में प्रभावित है तो, हाँ सर है, रुकिए मैं देता हूँ, हाँ संजीत यार, हाँ संजीत देता हूँ, ऐसे बोलेंगे। मैं तीन दोस्तों के नाम लिया, आप तीन में से मान लो एक नाम उसने मुझे इसका दे दिया, संदीप का, अब मैं संदीप को फोन किया, हाँ संदीप, संदीप जी बोल रहे हैं, हाँ संदीप बोलो, बोलो क्या, सर गुड मॉर्निंग, मैं संजीत बात कर रहा हूँ और मुझे आपका नंबर सुभाष जी ने दिया है, सर सुभाष जी हमारी कंपनी के कुछ प्रोडक्ट यूज करते हैं और हमने जब उनसे पूछा कि सर आपके दोस्त में कोई होगा जो इन प्रोडक्ट्स को पसंद कर सकता है, तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आप ही का नाम दिया, उन्होंने दिया उन्होंने तीन नाम, सिर्फ आप ही का नाम दिया। तो सर क्या आपका 15 मिनट मिल सकता है बात करने के लिए, आप बताओ मैं जब सुभाष का नाम यूज करूंगा तो संदीप मुझे 15 मिनट नहीं देगा, उसी का दोस्त है ना, बस मीटिंग तय, 15 मिनट या तो अगर नजदीक है तो फोन पे, ऐसे सुभाष बोलेगा तो लोकल ही होगा, ये से नो, तो लोकल ही जाके बात किया। अब मुझे बताओ मैं संदीप के जैसे तीन दोस्तों के साथ बात किया, सुभाष के दोस्त है, सुभाष का नाम ले लेके बार बार, अरे सुभाष को तो बहुत अच्छा लगा है, ये है वो है ऐसा है वैसा है करके बात किया मैंने संदीप के साथ, मुझे एक बार बताओ इन तीन में से एक आदमी भी खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, खरीदेगा श्योर, क्या खरीदेगा, कम से कम सुभाष से जो खरीदा वो तो जरूर खरीदेगा, बाकी प्रोडक्ट भी कुछ ले सकता है, ये से है ना। अब अगर इस तरीके से अगर किसी भी ब्रोंज राइटिंग टीम देख लो ना, मैक्सिमम ब्रोंज राइटिंग टीम में 20 से 30 लोग होते हैं जो एक्टिव होते हैं, जो हर महीने परचेसिंग करते हैं, 20 से 30 लोग, यानी एक ब्रोंज राइटर चाहे तो 60 रेफरल ले सकता है, यस या नो, दिन में अगर 3 मीटिंग भी करे तो 20 दिन में काम खत्म, यस या नो, उसका पीवी डबल होगा कि नहीं होगा, कितने दिनों में, 20 दिनों के अंदर, यस या नो। अब पिछले महीने ब्रोंज राइटर का 2600 किया है, इस महीने उसका 2600 एक्स्ट्रा हो गया, कितना हो गया, आसान है मुश्किल, हमें से कितने लोग रेफरेंस ले रहे हैं अभी, तो कोई बोली नहीं ना, किसी ने नहीं लिया, इसका मतलब सच्चाई है, काम हो सकता है इसमें। बिजनेस बड़ा करने के लिए जरूरी नहीं है कि खुद फील्ड में भागो, जरूरी है कि जो यूजर्स हैं उनको फील्ड में लेके आओ। अब सोच के देखो, आज सुभाष जी के 2-3 दोस्तों में से एक ने खरीदारी कर ली और मैंने उसकी आईडी सुभाष के नीचे डाली, या अगर वो मान लो संदीप आईडी ले सकते, नहीं नहीं सर मैं अपना नागरिकता नहीं देना चाहता हूँ, मेरे को आप MRP पे दे दो, मैंने क्या किया पूरा का पूरा प्रोडक्ट लेके सुभाष की आईडी पे बिलिंग कर दी, मेहनत मेरी पीवी उसका। अब बताओ सुभाष नाराज होगा कि खुश होगा, सर नंबर बना हुआ दिख रहा है आपसे, क्या बात है,
बोलेगा बोले नहीं नहीं आपने जो संदीप का नंबर दिया था ना सर उन्होंने प्रोडक्ट खरीद दिया। अच्छा क्या बात करो बाकी दोनों ने नहीं लिया। नहीं सर बाकी दोनों ने तो नहीं लिया। अच्छा रुको मैं सर मैं साथ चलू चलता हूँ आप चलो सर साइन दोगे मैं साथ में चलूंगा। बोलेगा कि नहीं बोलेगा बोलेगा कि बोलेगा क्योंकि उसके अंदर एनर्जी आएगी। वाह एक पीवी आ गया 10 पीवी आ गया उसके अंदर अपने आप एनर्जी आ जाएगी क्योंकि उसको तो पता है कि पीवी आएगी तो चेक भी आएगा अगले महीने। यस या नो? Yes. और उसका भी अपना बिजनेस भी आएगा क्योंकि पीवी आ गया दिख रहा है ग्रोथ दिख रहा है। एक महीने मैंने सुभाष के साथ ऐसा काम कर लिया 3 रेफरल ले लिए 3 रेफरल से 3 जॉइनिंग करा दिया 4 जॉइनिंग करा दी अगले हफ्ते फिर 3 लिया 2 और जॉइनिंग करा दी मान लो 5 या 6 जॉइनिंग इसकी टीम में करा दी। 4-5 मीटिंग जब मैं सुभाष के साथ कर लूंगा मुझे पता सुभाष इंडिपेंडेंट होगा कि नहीं होगा। अगले महीने मुझे सुभाष के साथ भागने की जरूरत पड़ेगी 5 जॉइनिंग मिलते हैं सुभाष अपने आप कॉन्फिडेंट हो जाएगा सर मैं कर लूंगा। अलग बात है 5 के बाद जब 2 मीटिंग करेगा फेल हो जाएगा फिर बोला अरे संजीव जी मेरे से नहीं हो रहा। कोई बात नहीं सुभाष अगला प्लान कर मैं आता हूँ। फिर एक डोज और बूस्टर कहते हैं जैसे कोविड में एक लगा था दो लगा फिर एक और बूस्टर आ गया तीसरा भी लगा लो तो बूस्टर एक दे दिया मैंने फिर से सुभाष को। अरे हाँ सर ये गलती कर रहा था मैं चलो ठीक है जब मैं लगातार ये बोलो एक सुभाष के साथ करूंगा एज अ ब्रोंज राइटर मेरा सुभाष जो 5% पे है क्या वो 8 या 10 पे आ सकता है? ये से नो मुझे तो यही करना है उसको 8 या 10 पे पहुंचा देना है। 2 महीने के अंदर भी अगर वो 4000 पीवी देता है नहीं एवरेज 2000 पीवी 1 महीने का एक बंदा मुझे ब्रोंज करा देगा और अगले महीने के लिए मेरे पास और ज्यादा लोग तैयार हो जाएंगे। ये से नो आसान है तो ब्रोंज को ये होमवर्क देना है इसको मॉनिटर कौन करेगा? तो जितने भी स्टार डायरेक्टर्स हैं अपनी टीम में सभी ब्रोंज डायरेक्टर्स को ये होमवर्क दो और इसको मॉनिटर करो। ज्यादा लेट तो नहीं हो रहा ना? नहीं सर। जितने भी स्टार डायरेक्टर्स यहाँ पे कितने लोग स्टार हैं? हाँ तो देखता हूँ मैं क्या बात है 1 2 3 4 5 वाह आप ही स्टार हो आप ही स्टार हो उम्मीद नहीं था मुझे क्या बात है आप 5 लोग स्टार डायरेक्टर्स हैं तो आप 5 लोग स्टार डायरेक्टर्स बाकी लोग ब्रोंज स्टार थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। चलो गोल्ड को होमवर्क देता हूँ जितने भी गोल्ड है एंड अबव है वो ब्रोंज डायरेक्टर और सिल्वर डायरेक्टर से ये होमवर्क रेगुलरली करवाएंगे। क्या करवाएंगे होमवर्क? पिछले महीने कितने लोगों ने खरीदारी की उन सब से रेफरल लेना है। कितने रेफरल्स? कम से कम 3 और उनको कॉलिंग करके उनसे अपॉइंटमेंट फिक्स करनी है मीटिंग फिक्स करनी है हो सकता है। अब आप सोच लो एक ब्रोंज डायरेक्टर अगर डबल टारगेट करे पीवी का यानी कि 2000 पीवी कहते हैं इसमें 4000 पीवी करने की कोशिश करें 4000 नहीं होगा कम से कम 3000 पीवी होगा और 3000 एक्चुअल पीवी का मतलब टीम बिल्डिंग बोनस परफॉर्मेंस बोनस डायरेक्टर बोनस मिला के उसकी चेक कम से कम नेपाली में 8 से 9 हज़ार रुपये होगी। अब ब्रोंज डायरेक्टर की चेक 8 से 9 हज़ार रुपये होगी वो कॉन्फिडेंट फील करेगा कि नहीं करेगा? करेगा यही करवाना है ठीक है। उसी तरह एक सिल्वर डायरेक्टर को टारगेट क्या लेनी है कम से कम 50% पीवी जंप यानी उसकी पीवी अगर पिछले महीने 1800 हुई है तो इस महीने उसमें 900 पीवी और ऐड करना है। क्यों? क्योंकि उसका एक और टारगेट होगा ब्रोंज को डबल कराने का तो ब्रोंज से उसको 4000 लेना है और अपना उसको 900 पीवी एक्स्ट्रा ऐड करना है। गोल्ड डायरेक्टर कम से कम 40 या 30% अप करेगा एंड स्टार एंड अबव कम से कम 10% अपना पीवी अप करेंगे 3 पीवी कंप्लीट पीवी 10% ज्यादा नहीं करनी जरूरत कितना परसेंट 10% यानी कुछ ब्रोंज से करवाया कुछ सिल्वर से करवाया कुछ गोल्ड से करवाया आपका टोटल ओवरऑल पीवी 10% होना चाहिए पर्सनल मिला के। अगर आप इतना भी पुश कर पाए ना अपने आप को मैं गारंटी करता हूँ 3 महीने के अंदर अंदर आप सबका प्रेजेंट चेक जो है डबल हो जाएगा। क्या आप तैयार हो? यस। तो मैं देख सकता हूँ कितनी पीवी मतलब कितनी पीवी सब करेंगे समझ में आ रहा है। ब्रोंज डायरेक्टर 1 महीने में कोशिश करेंगे डबल करने का सिल्वर डायरेक्टर 50% अप करने का कोशिश करेंगे गोल्ड डायरेक्टर 25 और स्टार डायरेक्टर कम से कम 10% मंथ ऑन मंथ अप करेंगे मंथ ऑन मंथ हर महीने अपना 10% अप करेंगे। अगर आप ये कर सके ना मैं गारंटी करता हूँ आपका इनकम जरूर बढ़ेगा। यहाँ पे एलओबी कमाना बहुत आसान अगर आप चाहो तो अगर मान लो कि मैं एक सिल्वर डायरेक्टर हूँ मुझे एलओबी चाहिए और मेरे नीचे भाई मेरा ब्रोंज है मुझे क्या करना पता है कितने पीवी करने होते हैं बोल दो मुझे क्या करना है इस भाई को गोल्ड डायरेक्टर बना देना क्या बनाना है अब मुझे बताओ भाई तेरा नाम क्या है अब राकेश को मैं बोला राकेश इस महीने आपको गोल्ड करना है मुझे क्या करना है मुझे नहीं पता इसको गोल्ड करना है बताओ क्या करेगा राकेश इसका दिमाग में नहीं था ये ब्रोंज है सोचा ही नहीं गोल्ड अब मैं बैठ गया इसके साथ पूरे महीने अब तेरे को गोल्ड बना के छोड़ेगा
अब राकेश अगर मैं साथ में मिलकर काम करेंगे एज ए सिल्वर डायरेक्टर, क्या मैं राकेश को गोल्ड के नजदीक पहुंचा सकता हूँ? नहीं हुआ, कम से कम सिल्वर तो कराई दूंगा। ये से नो? अब जब ये सिल्वर हो गया, इसकी मोटिवेशन बढ़ गई, अगले महीने गोल्ड करेगा। मैं एक बार भी नहीं करा, मुझे गैलरी चाहिए इसकी टीम से, मुझे गोल्ड चाहिए। अब राकेश अगर गोल्ड करता है, नॉर्मल गोल्ड करता है, तो कितने पीवी होगा? सोचो, 2001 प्लस 1500 कितना होता है? 5500 तीन पीवी। यस या नो? मेरा एलओबी पक्का हो रही तो उतर दो, मैं कर ही दूंगा उतर तो मैं पुश कर ही दूंगा। दिमाग तो एलओबी में चल रहा है ना मेरा, है कि नहीं? और कहीं मैं राकेश को ये बोला कि राकेश ऐसे एलओबी नहीं करना, टीम बिल्डिंग, सॉरी ऐसे डायरेक्टर मेंटेन नहीं करना, टीम बिल्डिंग बोनस के साथ करना है। अब बताओ एलओबी पक्का? 2600 ऐसे ही हो गया, प्लस राकेश का 1800 और हो गया, 7000 पीवी का एलओबी। बताओ मेरा चेक दूसरे महीने का कितना बढ़ जाएगा? सोच के देखो, 5000 पीवी का एलओबी जो है लगभग 10000 होता है, 7000 पीवी का एलओबी सोच लो कितना होगा। जितने भी हैं स्टार डायरेक्टर, थैंक यू राकेश, जितने भी स्टार डायरेक्टर्स हैं, मैं आप सबको एक टारगेट देना चाहूंगा, कोशिश ये करो आने वाले 2 महीने के अंदर अंदर आपके जितने भी लेंस हैं, 1, 2, 3 लेंस हैं, उनमें कम से कम गोल्ड डायरेक्टर होना चाहिए, मेंटेन वाला, नाम का गोल्ड नहीं। यहाँ पे बहुत सारे लोग गोल्ड कर लेते हैं, एक बार फिर सिल्वर मेंटेन या गोल्ड नहीं, मेंटेन वाला गोल्ड डायरेक्टर बनाना है। तीनों लेंस में पॉसिबल कर सकते हैं 2 महीने के अंदर? मतलब अभी क्या है, अप्रैल में हमें, मई और जून, जितने भी स्टार डायरेक्टर्स हैं वो ये कोशिश करेंगे कि आपके तीनों लेग में क्या होने चाहिए, कम से कम क्या गोल्ड, एक गोल्ड डायरेक्टर जरूर होना चाहिए, ठीक है? और जितने भी यहाँ पे डायमंड डायरेक्टर हैं वो ये कोशिश करो कि टीम में कम से कम एक स्टार डायरेक्टर और बाकी क्या गोल्ड डायरेक्टर। डायमंड डायरेक्टर्स जितने भी लोग हैं वो क्या कोशिश करेंगे, एक स्टार और बाकी लोग क्या होने चाहिए, बाकी लोग क्या गोल्ड। डायमंड है तो कम से कम एक स्टार और बाकी गोल्ड। क्राउन क्या करेंगे, कम से कम 2 डायमंड और बाकी गोल्ड भी करेंगे तो चलेगा। अगर ये आप कर सके उसके बाद आप अपना चेक देखोगे, स्टार डायरेक्टर का चेक कम से कम 80,000 रुपये का आएगा मिनिमम, बता रहा हूँ। यस, आप चाहो तो कैलकुलेट कर दिखा सकता हूँ मैं। स्टार डायरेक्टर मिनिमम 80,000 कमाएगा, डायमंड डायरेक्टर 1 लाख से ऊपर कमाएगा। और मुझे तो अभी वर्टाइन नहीं बताया जी आर ने कि भाई सर डायमंड मेंटेन करके मैंने 3 लाख का चेक कमाया, 2,80,000 क्या 85,000, तो 3 लाख हो ही गया, है ना? तो पॉसिबल है, करना क्या है, अब टीम को गोल्ड बनाना ज्यादा से ज्यादा। कितने क्या बनाने, एक भी बंदा आपकी टीम में ब्रोंज बचना नहीं चाहिए, सबको गोल्ड बनाने की कोशिश करो। जो इसमें ब्रोंज है वो सब 2 महीने के अंदर क्या हो जाना चाहिए, गोल्ड। और एक्चुअल से डबल से नहीं, डबल से सिर्फ 5% 1% बनेगा, बाकी लोग लेवल कैसे लेंगे। अगर हम ये कर सके बिजनेस सिस्टम आसानी से आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा, ठीक है? अच्छा, अब कोई सवाल, 1:48 हो गया, मुझे पता है कोई तो भूख सबको लगने लगी होगी, है ना? तो कोई क्वेश्चन, एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन है दिमाग के अंदर जो आप मुझसे पूछना चाहते हो, हेल्दी लिविंग के रिलेटेड, डाइट से को रिलेटेड, फ्यूचर को रिलेटेड, कि क्या है, हम कहाँ जा सकते हैं, क्या है, कुछ भी, तो नेपाली में भी पूछो तो हिंदी में पूछो, एक दूसरे को मत देखो, खुद पूछो। हाँ लैब सर्टिफिकेट प्रोडक्ट्स का यूज मतलब क्या, हाँ वो जब आप विदेश पूछोगे तब हम देख सकते, चाहिए आपको तो मुझे प्रोडक्ट और बैच नंबर चाहिए होगा, कौन कौन से प्रोडक्ट चाहिए, किसका क्या क्या बैच, ठीक है? हो जाएगा। और कुछ, और कुछ लैब सर्टिफिकेशन मिल जाएगा आपसे, और कुछ नहीं, क्या बात है, क्या एप्लीकेशन में फोन अभी रुकेगा, अभी रुकेगा, अभी कुछ दिन में ट्रैवल फंड, कार फंड, हाउस फंड देखने थोड़ा टाइम लगेगा, मैं भी करा, अभी टाइम लगेगा। असल में क्या देखिए सर जी, पे आउट एक्चुअली अभी नहीं दिखाएगा एग्जैक्टली, क्योंकि आप सबको पता होगा कि यहाँ पे नेटवर्क रूल्स कैसे काम करते हैं, जितने भी लीडर्स हैं नहीं पता, तो कुछ साथ बैठे को बता देंगे। 1 महीना और लगेगा हमारा इलेक्शन हो जाने को, गवर्नमेंट नहीं आ जाए तो, कि इन लोगों से दोनों से जो
दोनों पार्टी से उनसे बात हो चुकी है और मैं आपको बता दूं बहुत जल्दी रेड सिग्नल 100% यहाँ पे नेटवर्किंग भी लीगल हो गया है। देखो मैं आपको बताऊं अकॉर्डिंग टू द बुक्स जो आपके नेपाल में भी चलती है एमबीए कॉलेजेस में, डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, जो तुम्हारी किताबें तुम्हारे नेपाल में चलती हैं उसके मैं बात करूँ, लेकिन गवर्नमेंट के नज़र में क्या है कि पहले की जो वो मनी मेकिंग कंपनीज थी ना, जो दो लोगों को लेके आओ 5,000, तीन लोगों को लेके आओ जो 15,000, इस तरह से थी ना, ये उनको नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं और हमें कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग क्योंकि हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो वो कंसेप्ट सेलिंग को नेटवर्क कहते हैं और डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं हमें, तो इसीलिए वो खुद कंफ्यूज है कि इसको कैसे क्या करें। हमने जब ये चीज़ दिखाया कि देखते सर आपके ही किताबों में ये लिखा है, तो उन्होंने एक ही चीज़ कहा कि यार कुछ दिन मैनेज कर लो, इलेक्शन हो जाना तो फिर देखते क्या करें।